आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो परिचर्चा का विषय है वो बड़ा उलझा हुआ है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और बहुत व्यापक भी है। तो इस सारे विषय को एक साथ देखना, समझना और इसके विभिन्न आयामों को जानना ये कठिन काम रहेगा, लेकिन इस विषय के प्रति हम लोग प्रयास करेंगे कि इस सारे विषय को हम कितना समझ सकते हैं और कितना इसमें अग्रसर हो सकते हैं, और हमें आगे अगर इसी विषय को कंटिन्यू करना है तो किस दिशा में हमें अग्रसर होना चाहिए। तो इस सारी व्यापकता के साथ आज इस विषय को हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार कौल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवाने से पूर्व कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, और वो इसलिए ताकि एक भूमिका के रूप में मुख्य वक्ता को और जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं उनको ये अनुमान हो जाए कि हम लोग कितना जानते हैं और वो जानना हमारा कितना रेलेवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता वो भी, और अगर वो रेलेवेंट है तो उसको क्या हम और अधिक विस्तार दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ अगले 7-8 मिनट जो है वो कुछ बातें साझा करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विषय हमारा है जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट जो है इकोनॉमिक्स को अपने अस्त्र शस्त्र की तरह यूज करते हुए इकोनॉमी को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे एक डायरेक्ट चेंज देने का उसका प्रयास रहता है, ये हम सभी जानते हैं। और इन तीनों टर्म्स के अर्थ भी आप सभी जानते हैं, इसलिए मुझे उस पर कुछ ज्यादा बात नहीं कहनी है। मैं इस दृष्टि से आप लोगों से बात करूंगा कि कुछ संस्कृत की वजह से, कुछ अपने भारतीय इतिहास की दृष्टि से, अगर उस धरती पे खड़े होकर अगर हम मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स को जानने और समझने की कोशिश करें, इकोनॉमी को, तो क्या हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, या हमें और क्या जानना चाहिए, ये बातें भी इस विषय में शामिल हैं। तो मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि या अपना आधार भूमि जहां से खड़े होकर के इस सारे विषय को मैं देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और उसका विस्तार करना चाहता हूं, जिसके लिए हमने आज मुख्य वक्ता को आमंत्रित किया है, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यज्ञ का कॉन्सेप्ट है। अधिकांश लोगों के लिए, सोशल साइंटिस्ट के लिए ये एक धार्मिक बात हो सकती है, पिछड़ी हुई या इरेलीवेंट बात हो सकती है, लेकिन वो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। सोशल साइंटिस्ट अगर ज्ञान में रुचि रखने वाले लोग हैं और अपने को इंटेलेक्चुअल कहते हैं तो यज्ञ के अर्थों को जरूर जानना और समझना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है तो यज्ञ मेरे लिए एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां पे पार्टिसिपेशन, सोशल पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ये उसकी पहली शर्त है। और दूसरी शर्त जो है राइट टू अर्न एंड ड्यूटी टू डिस्ट्रीब्यूट। तो प्राचीन जो इकोनॉमिक्स है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करती है, ये यज्ञ इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये प्राचीन भारत की संस्कृत के शास्त्रों की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। यू हैव टू अर्न एंड यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट, ये यज्ञ है, और उसमें पार्टिसिपेशन इज मस्ट। ये नहीं हो सकता आप हवा में कर लें या लकड़ियां जला लें या आपने अग्नि जला ली, ये केवल यज्ञ नहीं है, वो एक प्रतीक है, लेकिन उस प्रतीक के माध्यम से आपने जो कुछ अर्जित किया है वो वितरण करना आपका दायित्व तो है। नंबर दो, ये तो एक प्रिंसिपल हुआ, दूसरी ओर कॉन्सेप्ट के रूप में जब आप इकोनॉमी को देखते हैं तो आप श्री सूक्त देखते हैं। श्री सूक्त में क्या है कि मेरा देश समृद्धि से भरा हो, मेरा परिवार समृद्धि से हो, मेरे आसपास के लोग समृद्धि से भरे हों, वो पूरे का पूरा सूक्त अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट में पढ़ा हो तो वो देख सकता है कि जो कुछ भी इकोनॉमिकली एक वेलबींग चाहिए वो सारी की सारी चीजें उस सूक्त में आपको दिखाई दे जाएंगी। और आपको हो सकता है कहने में संकोच हो कि इकोनॉमी को हम लक्ष्मी का नाम अगर दें तो किसी भी इकोनॉमिस्ट को संकोच होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता। मुझे लगता है लक्ष्मी जो है वो इकोनॉमी और इकोनॉमी का मतलब लक्ष्मी ही है, तो मैं अल्टरनेटिवली इन दोनों शब्दों को प्रयोग बीच में करूंगा आपके लिए। अब जब मेरे पास ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है और ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है,
तो मैं आज के आधुनिक जो इकोनॉमिस्ट है उनसे ये जानना चाहता हूँ, और मेरा ये प्रश्न है, और ये मेरे प्रश्न अपने नहीं है, इसमें अगर मेरी कोई कंट्रीब्यूशन है तो केवल इस क्या की कंट्रीब्यूशन है। ये मैंने सवाल कहाँ से उठाए हैं, ये उपनिषद के छांदोग्य उपनिषद में राजा अश्वत्थ जो है वो जब अपनी डिक्लेरेशन देता है कि मेरे राज्य में ना तो कोई भूखा है, ना ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर में अनाज ना हो, अग्नि ना जलती हो, अनपढ़ नहीं है, कोई दुराचार करने वाला नहीं है, आदि आदि ये सारी बातें वहां पर हैं। तो मैं वो मंत्र नहीं कोट करने जा रहा है, अश्वपति की बात कर रहा हूँ, केवल उसको क्या लगा करके आपके सामने रख रहा हूँ कि वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन मनुष्य को भविष्य के प्रति आश्वस्त करने में समर्थ हुआ है कि हम अगले आने वाले 20-22 साल में हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हमें इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती है कि सब कुछ ठीक ही चलेगा, या अगले 20 साल में हम मंगल पे जाके बसेंगे और चंद्रमा पे जाके बसेंगे क्योंकि हमने आधी धरती तो नष्ट कर दी। फिर एक और सवाल वहीं से मैंने उठाया है, वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन धनियों को अपना धन जरूरतमंदों के साथ बांटने के लिए तैयार या उत्साहित कर सका है क्या? इसी तरह का कोई हमने संस्कार दिया है हमारी इकोनॉमिक्स में जो कि स्केसिटी पे आधारित है, कि हमें अपनी जो अर्जित धन है उसको दूसरों के साथ बांटना चाहिए जहां पर उपलब्धि नहीं है। तीसरा जो सवाल है वो है कि क्या वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ हो गया है? इकोनॉमिक थिंकिंग जो है वो पॉवर्टी रिडन जो जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर क्या जस्टिस ला पाया है, या अपने ही देश में हमारे आसपास की भी बात अगर कर लें तो आप देखेंगे माइक्रो और मैक्रो लेवल पे तो आप देखेंगे कि अभी भी ये प्रश्न बड़े वैलिड हैं। तो ये तीन फंडामेंटल सवाल हैं, ये संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ। थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। जब आप इस तरह की एक इक्वेशन बनाते हैं कि इकोनॉमिस्ट प्लस इकोनॉमिक्स यही इक्वेशन होती है, और इकोनॉमिक्स में क्या आता है, वन लिविंग अर्थ डिवाइडेड बाय 7.5 बिलियन पीपल, जिसको कि आप एडम स्मिथ से लेकर कीन से होते हुए अमर्त्य सेन और बाकी सब लोगों तक चले आए, तो क्या वो इकोनॉमी जो है वो वेलबींग की इकोनॉमिक्स बन पाई है कि नहीं बन पाई? और उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्या सचमुच हमारी वन लिविंग अर्थ इज इट लिविंग अर्थ नाउ, और हैज इट रिमेन नाउ, इट हैज बिकम हाफ, क्योंकि आधी जमीन तो हमने चाहे वो किसी भी चीज से नष्ट कर दी हो उसका हाल हमने खराब कर दिया हुआ है। तो इस बात को लेकर के फिर तीन सवाल हम एक बार ले लेते हैं जो मैं अपने से भी करता हूँ और इकोनॉमिस्ट से भी करता हूँ, कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट, कि इतनी जो डेवलपमेंट की हम जोर दे के बात करते हैं और फिर बचाव के लिए हम कभी सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स की बात करने लगते हैं, वेलबींग इकोनॉमिक्स की बात करने लगते हैं, ग्रीन इकोनॉमिक्स की बात करने लगते हैं, तो स्टिल दिस क्वेश्चन इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू वी वांट टू सस्टेन फॉर हूम एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक बचा पाएंगे इस पृथ्वी को, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सुविधाएं देनी है और अर्थ का शोषण तो होना लाजमी ही है, कैसे आप इंडस्ट्री को रोक पाएंगे। और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यहाँ पे जुड़े हुए लोगों के लिए सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, व्हाट डज अवर इकोनॉमिक थिंकिंग हैव टू डू विद अवर करंट रियलिटी एंड अवर एबिलिटी टू अचीव। वेलबींग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम क्या उसको अचीव कर पाएंगे जब आप एक तरफ वॉर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ हॉस्पिटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बीच में हम कहें कि वेलबींग को हम ले आएंगे, इज इट पॉसिबल, ये विचार करने की बात है। बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप सभी इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी को जानते हैं, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जानते हैं, इसलिए बाकी स्क्रीन को आप देखते रहिए। जो चीज़ आपको नेट पे अवेलेबल नहीं होने वाली या इकोनॉमिक्स के किताबों में उपलब्ध नहीं होने वाली, मैं केवल उन चीज़ों को स्पर्श करूँगा। तो ये चीज़ें जो इधर दी हुई हैं उसको आप जानते हैं कि फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। इन सब प्रश्नों को समझने के लिए, इनको सटीक करने के लिए, क्योंकि प्रश्न भी कई बार उचित नहीं हो पाते, वो सटीक नहीं होते, पिन पॉइंटेड नहीं होते, तो उन प्रश्नों को ठीक करने के लिए और उनका उत्तर देने के लिए, उनका विषय विस्तार करने के लिए आज हमने जिन विद्वान वक्ता को सादर आमंत्रित किया है, जिनमें आप इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का एक अद्भुत मेल देखेंगे, वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार पॉल जी।
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से, जिनके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं, बहुत सारा रिसर्च वर्क उन्होंने किया है और बहुत प्रोमिनेंट इस वक्त लीडिंग जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक थिंकर हैं, तो इसलिए हमने उनको सादर आमंत्रित किया है कि वो हमारा इस सारे विषय के ऊपर दिशा निर्देश करें और हमें समझाएं कि इस सारे विषय को हम कैसे देखें और जिस तरह से देख रहे हैं क्या वो उचित भी है कि नहीं है। अब जब इस तरह के विशेष विद्वान को आप सादर आमंत्रित करते हैं तो संस्कृत का एक पक्ष ये होता है कि उसमें उस विद्वान वक्ता को ये देखा जाता है कि उनके शास्त्र का ज्ञान कैसा है, डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, उनकी रीजनिंग को देख करके और उनके एक्सपीरियंस को देख करके हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। तो उनके माध्यम से हम फर्दर कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ जानना शेयर करना चाहता हूं कि देखिए हर इकोनॉमिस्ट जो है, स्क्रीन को नीचे की ओर देखिए, ये आपको वहां मिलने वाला नहीं है नेट के ऊपर, चाहे शायद एआई को भी यूज करेंगे तो शायद ये चीजें आपको वहां देखने को नहीं मिलेंगी। तो इकोनॉमिस्ट एज ए डूअर, एज ए एंजॉयर एंड एज ए नोअर, जो इकोनॉमिस्ट के ये तीन डायमेंशंस हैं, इससे हम क्या चाहते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में, कि ह्यूमैनिटी नीड्स अ सेंसिबल इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंट इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी को अभी जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इकोनॉमी का संस्कृत शास्त्रीय समझ क्या है, वो कैसे इसके नेचर को डिफाइन करती है, वो मैं अभी आपके साथ साझा करूंगा। अब सामान्य रूप से होता क्या है कि हर इकोनॉमिस्ट जो है वो डाटा ड्रिवन इकोनॉमिक्स की बात करता है कि सारी सोसाइटी डाटा ड्रिवन है तो उस डाटा के आधार पर चलता है। लेकिन जब मैं शास्त्रीय पक्ष को देखता हूँ तो मुझे वो क्या दिखाई देता है कि ये आग जिसे आप निंदित करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसी से सारी इकोनॉमी चलती है कि किसी के काम की वजह से इकोनॉमिक्स चलानी है, किसी ने क्रोध की वजह से है। और इसके हजारों एग्जांपल आप इस वक्त वर्ल्ड ओवर देख सकते हैं कि जो यूक्रेन का लड़ाई चल रही है, इधर जो आप इजराइल और पैलेस्टीन में देख रहे हैं, हमास में लड़ाई चल रही है, वो डाटा ड्रिवन की बजाय अगर आप इसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो सारी की सारी बातें समझ में आने लगेंगी। लेकिन इस चीज को हम फिर उसमें लेंगे जब हम ओपन हाउस डिस्कशन करेंगे। ये मैं एक इकोनॉमिस्ट के लिए एक मतलब संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से एक रेड बुक शेयर करना चाहता हूं जहां पर इकोनॉमी का नेचर क्या होता है, कैसे वो व्यवहार करती है, बिहेव करती है, ये उसको दिखाने वाली है। हालांकि कोई इकोनॉमिस्ट इसको नहीं पढ़ेगा ना रिकमेंड करेगा, लेकिन मुझे ये लगा जब डिप्रेशन आया 2004 में और बहुत सारा जो है पैसा गायब हो गया रातों ही रात, और इसी तरह की एक जगह से दूसरी जगह इकोनॉमी जब ट्रांसफर होती है, जैसे अब चाइना से इंडिया में आ रही है या अमेरिका से कहीं और जा रही है, वो सब बातें जानते हैं। लेकिन मेरा फोकस केवल इतना है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इकोनॉमी का जो नेचर है उसको संस्कृत शास्त्र कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर बड़े ब्रीफली मैं आपको कुछ लाइनें बता रहा हूँ, ये हिंदी में वाला पढ़ रहा हूँ, ये संस्कृत का ऊपर का पक्ष छोड़ दिया है। और ये जो बुक है वो है शुकनासोपदेश, बड़ी छोटी सी बुक है और मुझे लगता है कि हर इकोनॉमिस्ट को इसको जरूर पढ़ना चाहिए अगर वो इकोनॉमी के नेचर को जानना समझे। तो राजा चंद्रापीड अपने बेटे को मंत्री के पास भेजता है कि भाई जाके तुम स्टेट क्राफ्ट सीख कर आओ। तो स्टेट क्राफ्ट का एक पार्ट जो है वो इकोनॉमी है, और वो क्या कहता है उसको कि प्रजा का कल्याण चाहने वाले राजकुमार। भाषा देखिए उसकी क्या है कि वेलबींग इज योर प्रायोरिटी, और वहां पर सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले लक्ष्मी जिसे आप इकोनॉमी कहते हैं उसकी नेचर को समझो। कैसी है ये इकोनॉमी कि योद्धाओं और शस्त्रों के समूह रूपी कमल पर भ्रमण करने वाली मधुमक्खी है। पुरानी भाषा है तीसरी चौथी शताब्दी की, कि हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करने पर भी वो जो है वो एक जगह से दूसरी और दूसरी जगह से तीसरी जगह चली जाती है। बीच में मैं चीजें छोड़ रहा हूं, लेकिन चंद्रमा की कला उसकी एकांत वक्रता ले ली है कि चंद्रमा की तरह जैसे वो चंद्रमा टेढ़ा होता है वैसे ही तुम टेढ़ा व्यवहार करती हो सब जगह पर। उच्च श्रवा से तुमने चंचलता को ग्रहण कर लिया, कभी एक जगह स्टेबल नहीं होती, चाहे कितना ही हम लॉज बना लें, इकोनॉमिक लॉज बना लें, कितने ही हम थ्योरीज बना लें, लेकिन इट्स ऑलवेज अनस्टेबल, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। इसके तरह की दूसरी अपरिचित वस्तु संसार में कोई नहीं है, किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करती इकोनॉमी।
कि आज अमेरिका इकोनॉमिकली बड़ा वाइब्रेंट है, कल को चीन होगा, कल को इंडिया होगा, परसों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं, कल परसों जो है वो अरब कंट्रीज हो जाएंगी, क्या हो जाएगा कभी उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए और क्या कहता है, उत्कट अभिमानी योद्धाओं द्वारा उठाई गई तलवारों के समूह रूपी पिंजड़े में बंदी करके रखी हुई, उसको आपने कितना ही अपने बैंकों में संभाल के रख लिया हो, प्रोटेक्ट करके रख लिया हो, उसके बावजूद वो गायब हो जाती है। जैसे कि होता ही है कि जो वर्चुअल मनी है वो टाइम टू टाइम जो है वो बिल्कुल जो ये जो मार्केट होती है शेयर मार्केट, इसमें से गायब हो जाती है, एक क्षण एक झटका लगता है और हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा डिटेल है जिसे मुझे लगता है किसी भी इकोनॉमिस्ट को जरूर पढ़ना चाहिए, और बहुत खूबसूरत इसमें चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एक आखिरी लाइन जरूर मैं चाहूंगा कि इस सारी इकोनॉमी का जो व्यवहार है वो कैसा है, गंधर्व नगर लेखा है, कि गंधर्व नगर की जैसे एक आउटलाइन दिखाई देती है और वो देखते देखते ही गायब हो जाती है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी तरह से व्यवहार करती है। एक गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आपका सारा का सारा पैसा जो है एक सेकंड में गायब हो जाता है। ये कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा ज्यादा, लेकिन आप ये देखिए कि ऋग्वेद में आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलता है इकोनॉमी का, वो क्या है, वी ऑल हैव डाइवर्स होप्स एंड प्लान्स, वी स्ट्राइव फॉर वेल्थ इन डिफरेंट वेज। ये मेरे नहीं है शब्द, ये कहाँ के शब्द हैं, ये अंग्रेज के ही ट्रांसलेटेड वर्शन है, लेकिन कहाँ से लिए हैं, ऋग्वेद से है, क्योंकि मैं अगर अपना ट्रांसलेशन देता तो शायद वो उतना अच्छा नहीं लगता और उसको एक्सेप्ट भी शायद नहीं करते इंटेलेक्चुअल लोग। फिर उसी का जो वैदिक कैपिटलिज्म का रूप है, क्योंकि सोशलिज्म अपनी तरह का है, वैदिक सोशलिज्म, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वैदिक कैपिटलिज्म में अगर आप देखें तो आप ये देखें कि अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर की काउंसलिंग कर रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर थोड़ा सा डिप्रेशन में है आफ्टर द वॉर, तो ही सेज कि ही काउंसिल्स हिम दैट रिलीजियस एक्ट्स, प्लेयर्स, जॉय, करेज, रैथ, लर्निंग एंड सेंस ऑफ डिग्निटी ऑल प्रोसीड फ्रॉम वेल्थ। इसका मतलब वो जो पिछड़े हुए लोग थे उनको कुछ अकल तो थी, उनको कुछ इकोनॉमिक्स के आइडियाज तो थे, और वो जब इतने बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको कुछ तो पता ही होगा, लेकिन हमने कभी अपनी भारतीय परंपरा से कोई एक चीज मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स में हमने फिट की कि नहीं की, और वो शायद इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी बुद्धियों के ऊपर स्केयरसिटी को हमने बेसिक मान लिया इकोनॉमिक्स का, जबकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स थी वो अबंडेंस की इकोनॉमिक्स रही। आप जो भी शास्त्र है उसको उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, वो लोग क्या लूटने आए थे, क्या लेने आए थे, यदि स्केयरसिटी ही यहाँ थी तो। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक थिंकिंग में इस एस्पेक्ट को हमें जरूर एडॉप्ट करना चाहिए। अब मैं बड़े बेसिकली बहुत जल्दी से इस स्लाइड को आपके साथ शेयर करके उसके बाद मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ। देखिए मेरी दृष्टि से, संस्कृतिस्ट की दृष्टि से, जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स है वो वॉर से लेकर हॉस्पिटल के बीच में सारी डिवेल्प होती है, आपकी इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिक्स, आपके इकोनॉमिस्ट, वो इसी के साथ संघर्ष में है। अगर आज आपके वॉर्स बंद हो जाएं, आज आप प्रोडक्शन इसकी वेपन्स की बंद कर दें, तो आप देखिए इकोनॉमी कहाँ जाएगी, क्या कहाँ स्टैंड करेगी सारी की। नाम हम वेलबींग का लेते हैं, लेकिन आज अमेरिका की आधी से ज्यादा इकोनॉमी किस चीज पे खड़ी है, वेपन्स पे खड़ी है, इस चीज के ऊपर खड़ी है, और दूसरा इसके ऊपर हॉस्पिटल्स की, जिसे आप कहते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज, नाम बहुत खूबसूरत हम अंग्रेजी के देते हैं, लेकिन उसके पीछे की मंशा को अगर आप देखें तो आपको ये चीज दिखाई देगी, जिसे गीता में क्या कहते हैं, आसुरी संपदा। तो टोटल मेरी दृष्टि में तो ये इकोनॉमिक्स इस दृष्टि में चलती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस भारतीय परंपरा में देखें तो तीन मॉडल हैं जिसे आप कह सकते हैं, अरे ये तो बड़े धार्मिक से हैं, ये इसका क्या रेलेवेंस हो सकता है, इसमें कुछ नहीं रखा, बट वेट, समझने की कोशिश हम करें। देखिए तीन मॉडल क्या हैं, जो पहला शास्त्रीय मॉडल है वो आया आपका स्वर्ग मॉडल, वो केवल एक प्रतीक है, बाकी चीजें जब आप प्रतीक बनाते हैं तो उसके पीछे पूरी एक व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं होता कि आप हवा में कोई प्रतीक बना देंगे। तो प्रतीक क्या है कि यहाँ हर तरह के आपको भोग उपलब्ध हैं, हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए, तो आपको
फिर एफर्ट्स करने पड़ते हैं उन भोगों को प्राप्त करने के लिए। ये फर्स्ट मॉडल है। सेकंड मॉडल है जहां पर आपके पास अकूत धन संपदा है, आप केवल देते ही देते हैं, आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्टेट को आप डिफाइन करते हैं जो केवल आपको देती ही देती है। और एक अरब कंट्री है, नाम मुझे ध्यान है, बहुत छोटी सी है कंट्री जहां पे कोई टैक्स नहीं है, वो केवल देता ही देता है, मुझे नाम उसका ध्यान नहीं है। सो आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं। एक तीसरा मॉडल जो है जिसे आप शिवलोक कहते हैं, वहां पर आप देखें कि वहां ना तो भूख है ना फियर है। फियर क्या नहीं है कि यहाँ पे शेर भी बैठा है, सांप भी बैठा है, मोर भी बैठा है, आदि आदि सारे हैं, सारे विपरीत लोग खड़े हैं, लेकिन कोई फियर नहीं है और ना ही हंगर है, क्योंकि हिमालय पे होना तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर फियर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के फियर और हंगर को आपने रिजॉल्व कर लिया है, तो ऐसी इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी जो है वो डिजाइन और डेवलप की गई। अब हो सकता है आप कहें कि नहीं ये तो किताबी बातें हैं, हवाई बातें हैं, हो सकता है, लेकिन फिर भी इस बात के लिए आप उन पिछड़े हुए लोगों की प्रशंसा जरूर करें कि वो लोग ऐसा कम से कम एक कल्पना तो कर सकते थे जो कि आपके मॉडर्न डे इकोनॉमिस्ट सोच भी नहीं सकते और आने वाले 100 सालों में भी नहीं सोचेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कुछ बातें थी। और इसमें एक आखिरी बात मैं एक कॉन्सेप्ट और आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये आपको पुराणों में कॉन्सेप्ट मिलता है जिसे कहते हैं भोग और प्रभुता। तो मॉडर्न डे इकोनॉमी को मैं इस एंगल से देखता हूँ। भोग का मतलब है कि अपने लिए अधिक से अधिक संसाधनों को, उपभोग की वस्तुओं को इकट्ठा करना, ये है भोग। और प्रभुता क्या है कि वो है कि जब मैं अपने इकट्ठे किए हुए, संचित किए हुए भोगों के द्वारा किसी दूसरे को एक कॉम्पिटिशन की भावना देता हूँ, ईर्ष्या की भावना देता हूँ कि भाई तू भी इस चीजों को ग्रहण कर, तू भी इसके लिए एफर्ट्स कर, ये प्रभुता कहलाती है। तो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स का अगर मुझे क्रिटिक करना होगा तो शायद मैं इन दो शब्दों में ही सारी की सारी इकोनॉमिक्स को, की डेवलपमेंट को देखूंगा कि कम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स जिसे आप लोग शायद कहते हैं तो वो उस दृष्टि से है। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता था, लगभग उसमें 10-12 मिनट लग गए हैं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात मुझे आप लोगों के सामने रखनी चाहिए थी संस्कृत के पक्ष से। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो इस विषय पे अपनी राय भी रखें और हमें वो दिशा निर्देश दें, उन आयामों से हमें परिचित कराएं कि जैसे वस्तुतः एक इकोनॉमिस्ट को सोचना चाहिए जिससे कि इकोनॉमी उनके अधीन रहे, वो डिफाइन करें कि इकोनॉमी कैसे चलेगी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के आधार पे, और उससे विपरीत ना हो कि इकोनॉमी के पीछे पीछे जो है वो इकोनॉमिस्ट भाग रहा है कि आज यहाँ से इकोनॉमी जो है वो लूज कर गई, आज इकोनॉमी में ये डिप्रेशन आ गया तो इकोनॉमिस्ट जो है वो लगा हुआ है उसका पैच वर्क लगा के उसको ठीक करने में, क्योंकि सारा सिस्टम इस वक्त जो है वो कुल मिलाकर के उस इकोनॉमी को खड़ा रखने में ही लगा हुआ है। तो ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप लोग ना सहमत हो मेरी बात से, मैं चाहूंगा कि आप लोग जब ओपन हाउस डिस्कशन हो तो उसमें आप अपनी असहमति हमारे साथ साझा करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार पॉल जी को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे की बात हमारे साथ साझा करें। सर धन्यवाद, सभी को नमस्कार प्रणाम। आशुतोष जी ने स्टैंडर्ड तो इतना हाई कर दिया है, असल में शास्त्र की और संस्कृत की जो है चीजें बता करके जिसकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, पर फिर भी मैं लेना चाहूंगा। जैसे ये खास करके ये इसी लास्ट स्लाइड के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चाणक्य का जो ये सूत्र है इसी को छोड़ दिया इन्होंने यहाँ पर, यहाँ दिया मृत को बोला नहीं, जबकि सुखस् मूलम धर्म धर्मा धर्मस्य मूलम अर्था अर्थस्य मूलम राज्य, तो ये अर्थ की भी इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है और धर्म की इम्पोर्टेंस को भी शो कर रहा है कि अल्टीमेटली तो सारा धर्म है, और हमारे यहाँ पर जितना भी सोच रही है सारी की सारी धर्म आधारित रही है, पर क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में वो चल रहा है? सोच तो ठीक है पर क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, और आज की स्थिति में आज की रियलिटी में क्या चल रहा है? मुझको लगता है इसी को लेकर के सारा डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि सुख कई बात तो बिल्कुल ठीक है कि धर्म के बगैर चलेगा नहीं। आज के इकोनॉमिस्ट भी जब सारा जो जितनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को देखते हैं, देखने के बाद जब आते हैं तो फिर वो एथिक्स की और मॉरेलिटी की बात शुरू कर देते हैं,
तो ये असल में वो सारा घुमा फिरा कर वहीं पहुंचते जहां से हम शुरू करते थे। हमारा जो पुराना इतिहास है वो धर्म से शुरू करता था फिर आगे देखता था। तो एक ये भी है कि अर्थ के बगैर चलेगा नहीं। हालांकि आशुतोष जी ने लक्ष्मी के बारे में काफी वो डिटेल में बताया कि लक्ष्मी को ही इकोनॉमी के रूप में जो है बताया है पूरा पूरा जो है, पर इसके साथ साथ ये भी है कि भी जो है इकोनॉमी थोड़ा सा लक्ष्मी इम्पोर्टेंट है, पर इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें और भी हैं। और इसमें अगर हम देखें आज की रियलिटी भी देखें तो आज जो है उसमें लक्ष्मी को तो आप कैपिटल के रूप में देख सकते हैं कि मनी और कैपिटल, पर मनी और कैपिटल के साथ साथ और भी काफी चीजें हैं। खैर एनीवे, मैंने मैंने जब आशुतोष जी ने ये टॉपिक रखा था तो मैंने कुछ अपने ढंग से कुछ बनाया कि इकोनॉमिक्स क्या है और जो है इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को लेकर मैंने बनाया। और बाद में जब इन्होंने पूरा वो अपना जो नोटिस निकाला उसमें इतने क्वेश्चन डाल दिए तो मैंने उस स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया उसको। तो मैंने वो और अभी जो शिष्टाचार से इन्होंने एक्सप्लेन किया मैं उसी को लेकर के थोड़ा सा देखूंगा। जो क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चंस को ही आंसर करते हुए हम कोशिश करेंगे। और मुझको लगता है कि भी बेस्ट तो ये है क्योंकि आप सभी लोग विद्वान हैं। पूरा इकोनॉमी कोई इकोनॉमिक्स का कोई खेल नहीं है। बेसिकली हर आदमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी है, हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हर आदमी है। तो वो भी समझता है कि ये क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, उसमें वो डील भी करता है। तो जनरल कॉमन सेंस तो इकोनॉमिक्स की सभी को आती है। तो अपने जिस तरह से आदमी ग्रो करता है तो ग्रो करते करते उसकी नॉलेज बढ़ती है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है। तो मुझको लगता है इसमें हमारा जो आज का डिस्कशन है ये ज्यादा डिस्कशन ही होना चाहिए, अपने डिफरेंट व्यूज देने चाहिए। पर इसके पहले मैं अपने कुछ थोड़े से पॉइंट बता दूंगा जरा थोड़ा सा जो मैंने जो मुझको समझ आया। मेरा इतनी इतनी जानकारी नहीं है जितना कि आशुतोष जी ने बताया, पर फिर भी जो है मैंने कुछ पॉइंट्स देखे हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्वेश्चंस कुछ रेज किए कि जो है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू डू इकोनॉमिस्ट वांट्स और व्हाट डू इकोनॉमिस्ट वांट्स टू सस्टेन फॉर हूम एंड हाउ लॉन्ग, व्हाट डज इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड कॉमन पीपल हैव टू डू विद द करंट रियलिटी। इसमें ना काफी क्रिटिकल है। बेसिकली कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हम देख रहे हैं समस्याएं काफी काफी हैं। और ये समस्याएं जो पॉवर्टी की समस्या और आज जो है नई से इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज की समस्या, नई नई समस्या खड़ी हो जाती हैं, पुरानी सुलझती नहीं है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में काफी क्रिटिकल है। पर एक थोड़ा सा मुझको लगता है कि हम जैसे हमने संस्कृत की बात की, संस्कृत साहित्य में किस तरह से इकोनॉमी को देखा जाता है, अर्थशास्त्र को देखा जाता है, और आज वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, क्योंकि आज वेस्टर्न फिलोसफी से ही हमारा पूरे पूरे जो शासक भी जो हैं, बेसिकली जो स्टेट हैं वो सारे सारे उससे इन्फ्लुएंस हैं। तो बेसिकली जो वेस्टर्न फिलोसफी है, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है, तो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में जो मेन फ्लॉ है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें जो थिंकिंग जो है वो संस्कृत को लेकर के हम देखते हैं, हम अपने शास्त्रों के आधारित देखें। तो जैसे एक एक सबसे बेसिक पॉइंट जो है ये अजम्पशंस के बारे में कि आज के इकोनॉमिस्ट भी चाहता है कि वेलबींग चाहता है, सभी की ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी चाहता है, नो पॉवर्टी फॉर एनीवन जो है ये भी सब चाहता है, पर इसके बावजूद भी क्यों ये अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए असल में उनको देखना पड़ेगा उनकी अपनी थिंकिंग जो है वो थिंकिंग जो है बेसिकली काफी जो है सेगमेंटेड है। कि हमारे यहाँ पर जो एजम्पशंस लेकर चलते हैं तो आज वेस्टर्न इकोनॉमिक्स जो है जो एजम्पशन लेकर चलता है ह्यूमन बींग के बारे में वो लेता है इकोनॉमिक मैन, कि आप वो जो है उसकी कुछ नीड्स हैं कुछ डिजायर्स हैं और उसको फुलफिल करने के लिए वो जो काम करता है। जबकि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है हम वो ज्यादातर जो इकोनॉमिक मैन का मतलब है कि मेटीरियलिस्टिक थिंकिंग के बारे में, मेटीरियलिस्टिक नीड्स के बारे में। मेटीरियलिस्टिक नीड्स और वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आदमी आगे सोचेगा नहीं। पर इसके बावजूद अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो थिंकिंग है जो शास्त्रों में थिंकिंग है वो एक व्यक्ति को एक इंटीग्रेटेड ह्यूमन बींग के बारे में देखती है, एक आत्म मानववाद की बात करते हैं, और जिसमें देखते हैं कि उसका वो शरीर भी है, मन भी है, जो है बुद्धि भी है, आत्मा भी है। तो वो यहाँ पर हमारे यहाँ की जो थिंकिंग है वो शास्त्रों में वो थिंकिंग यही है कि किस तरह से ये जो एकाध जो एक इस तरह का मानव है उसको संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये इकोनॉमिक्स को इस तरह से वो जो समझने की कोशिश किया कि किस तरह से एक व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो, शारीरिक
उसकी नीड्स भी पूरी हो, उसको जो है मानसिक दृष्टि से भी वो संतुष्ट हो, वो जो है बौद्धिक दृष्टि से भी संतुष्ट हो, आत्मा को भी संतुष्टि मिले। तो मुझको लगता है ये हमारे यहाँ पर ये बेसिक जो डिफरेंस जो है ना, जबकि हम एक आदमी को किस तरह से डील करते हैं, एक एकात्म मानववाद की तरह से लेकर चलते हैं या एक बिल्कुल इकोनॉमिक मैन की तरह, बायोलॉजिकल नीड्स की तरह लेकर चलते हैं, यहाँ आकर के एक बेसिक जो डिफरेंस जो है वो आ जाता है। अगर हम आपको इसको आदमी को देखने का स्टाइल ही चेंज कर दें तो मुझको लगता है उसके साथ साथ ही आपकी सारी इकोनॉमीज भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। पर एक चीज और मैं ये कहता हूँ कि आज जो है जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जो इवॉल्व हो रही है, उसमें ये भी है कि धीरे धीरे ये सब चीजें आ रही हैं। पहले वो सिर्फ इकोनॉमिक नीड्स की बात करते थे, आज धीरे धीरे देखते हैं कि भी जो एनवायरनमेंट का कंसर्न है, इट्स ए वेरी सीरियस कंसर्न जो है, अब वो कॉन्शियसनेस की बात भी आ रही है उसके अंदर। तो ये सारी कंसर्न जो है उसमें जो है पब्लिक की बात भी आ रही है कि आपकी डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर भी इतनी ज्यादा है, तो आपको जो पूरे प्लेनेट को लेकर के चलना पड़ेगा, एक जो पर्यावरण को लेकर के चलना पड़ेगा। तो इस तरह से लेकर के आप जब SDG की बात करते हैं तो वहां पर कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ थिंकिंग यहाँ भी इवॉल्व हो रही है। बट डेफिनेटली एक जो बेसिक जो प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स के साथ, जो वेस्टर्न थिंकिंग के साथ रही है, वो ये कि एजम्पशंस के बारे में, कि आप एक ह्यूमन बीइंग को क्या एज्यूम करके चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, बड़ा वो सेगमेंटेड है। और बाकी जो है ये एक मेटीरियलिस्टिक वेलबींग की बात, हमारे यहाँ पर तो मेटीरियलिस्टिक वेलबींग और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट दोनों की बात करते हैं कि किस तरह से एक जो आदमी को किस तरह से उसको उठाया जाए, जो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी इस तरह की होनी चाहिए ताकि वो दोनों को सपोर्ट करें। हालांकि जैसे अभी यहाँ पर चाणक्य ने कहा, सुखस्य मूलम धर्मा, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, तो ये यहाँ ये बेसिक अगर देखें, इसमें डीप में जाए तो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, ये पूरी पूरी इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन कर देता है कि आपको किस तरह से जो सुख है क्या, इसका मूल में जो है वो धर्म जो है आधारित आपका जो एक्टिविटीज हैं, आपकी जो एथिकल डायमेंशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ तो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो जो है हम अर्थ और काम की बात करते हैं, जो कि जो है ये धर्म के ऊपर आधारित हो, धर्म के ही बाउंड्री के अंदर रह करके चलता है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आपको लिबरेशन मिलेगी, तभी शांति मिलेगी। तो वो असल में हमारी जो सोच है वो डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंट है। और मुझको लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को भी, इकोनॉमिस्ट भी क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल ब्रीड है वो, और वो और अगर हम देखें पिछले लास्ट 300 और 400 ईयर्स के अंदर वो इवॉल्व हो रही है, वो भी देख रहा है, चैलेंजेस देख रहा है, वो भी समस्याएं देख रहा है, कई तरह के क्राइसिस देख रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पूरा प्रपोज किया इकोनॉमी को और उसके रिजल्ट क्या लिख रहे हैं। तो ये हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इकोनॉमिक्स के अंदर भी, और हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। तो असल में सिर्फ ये कहना कि सिर्फ जो एक वो कैपिटलिस्टिक थिंकिंग वाले लोग हैं या सोशलिस्टिक थिंकिंग वाले लोग हैं या मिक्स वाले हैं, ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको वो रियलिटी को भी देख रहे हैं, वो जो लोकल रीजनल इकोनॉमिक्स को भी देख रहे हैं, रीजनल नीड्स को भी देख रहे हैं। तो जो एवोल्यूशन तो काफी हो रहा है, पर यहाँ पर मुझको लगता है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे अपने इतिहास के अंदर हमारे शास्त्रों में जो विजडम दिया हुआ है, उस विजडम को भी यूज करने की जरूरत है। तो मैंने तो अब ये देख रहा कि हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति के बारे में जो सोच है वो तो कमाल की है, जो बेसिकली अब पंचकोश तत्व के द्वारा भी हम एक्सप्लेन करते हैं, कश्मीरी शैविज्म के अंदर भी देखते हैं कि आप शिव का ही पार्ट है, नर जो शिव से शक्ति और शक्ति से नर का जो हुआ वो सारा का सारा है। तो अल्टीमेटली आप भी उतने ही पावरफुल है जितना शिव है, बल आपको अपना रियलाइजेशन चाहिए, आपको प्रतिज्ञा की बात जो करते हैं रियलाइजेशन चाहिए। तो वो रियलाइजेशन क्या इस जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं वो हो पाएगा, क्या इसके लिए कुछ और चाहिए। तो एक और जो है हमारे यहाँ पर जो बेसिकली वेस्टर्न फिलोसफी में और वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में और हमारे यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंस है कि हम जो पूरी सृष्टि को भी वो फ्रेगमेंटेड रूप में देखते हैं कि हमारे यहाँ पर के सब डिफरेंट पार्ट्स हैं, जबकि हमारे यहाँ पर जो है वो समष्टि वाली बात है कि सब चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे अगर इस तरह से इस नॉलेज में भी लेके चलें तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हालांकि आजकल जो
क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं उसमें भी यही कह रहे हैं कि भी पूरा कण कण जो है वो एक है, जैसे हमारे यहाँ पर वेदांत में ब्राह्मण की बात कर रही है, हर एक चीज जो है ब्रह्ममय है तो या शिवमय है, तो वो आज वहां पर भी इस तरह की थिंकिंग आ रही है धीरे धीरे। तो मगर यहाँ पर जो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल डेफिनेटली जो आज चल रहे हैं उसमें काफी फ्रेगमेंटेड एटीट्यूड है कि भी हर एक पार्ट डिफरेंट है, अगर डिफरेंट लेकर के चलेंगे तो तभी तभी आप जो उसमें वो डिटेल में डीप में जा सकते हैं। मगर रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में तो हर एक चीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। सिर्फ इकोनॉमिक्स एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ये कहेंगे कि जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में कहा कि इकोनॉमिक्स ही सारा ड्राइव कर रहे हैं, मगर रियलिटी में हमें अगर थोड़ा देखा जाए तो क्या इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या पॉलिटिशियन कर रहे हैं? तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे को रीइन्फोर्स भी करते हैं, एक दूसरे को यूज भी करते हैं। तो रियलिटी में थोड़ा और देखना पड़ेगा, और बल्कि मैं देखता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आज की इकोनॉमी देखें, आज में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बेसिकली हम तो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, लास्ट 300 ईयर्स का भी देखते हैं कि जो बेसिकली जो इकोनॉमी जो इवॉल्व हो रही है इसमें सबसे ज्यादा रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। और हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, मशीनरी से लेकर के आज एआई की बात हो रही है, आज क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, तो अगर हम देखें तो आपका जो पूरी इकोनॉमिक्स भी सारा का सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है। या जिस तरह से मशीन आई, मशीन के साथ साथ ये आपका जो 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 डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का स्टाइल सारा चेंज हो गया, सारा का सारा आपका फैक्ट्री सिस्टम आ गया, आपका जो जो बिग इंटरप्राइजेस शुरू हो गई। तो बेसिकली आप देखेंगे वो जैसे जैसे बिग इंटरप्राइज शुरू हुई उसके साथ साथ ही जो जो लेबर जो श्रम जो था लेबर जो था लेबर भी एक वेज लेबर में कन्वर्ट होता चला गया। तो आप देखेंगे वो उसकी फिर अपनी प्रॉब्लम थी, उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसके ऊपर लेकर कम्युनिज्म टाइप जो है वो इस तरह का जो इकोनॉमिक थिंकिंग शुरू हो गई। तो अगर हम देखें तो मुझको तो लगता है कि टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है कि आपने किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, किस तरह से मैनेज करनी है, उसके लिए किस तरह की इकोनॉमिक्स होगी, किस तरह का कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा, किस तरह का प्रॉफिट स्ट्रक्चर होगा, उसी में आकर के हम देखते हैं उसकी वजह से ही धीरे धीरे कैपिटल की सुपरमेसी हो रही है। कैपिटल जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल हो गया, मनी, वो लक्ष्मी की बात लेकर के चले तो मनी सुप्रीम हो रही है। तो लक्ष्मी डेफिनेटली है, उसमें पहले इतना नहीं था। अगर हम पहले पुराने समय की जो बात करते हैं, जितना मैंने भी थोड़ा समझा है, अगर हम चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो भूमि की बात काफी है, भूमि को भी एक कैपिटल के रूप में लेते थे, भूमि और श्रम की बात होती थी, कैपिटल को सिर्फ जो है थोड़ा सा वो जो है ऋण के रूप में या ब्याज के रूप में वो यूज करते थे, पर बहुत ज्यादा कैपिटल के बारे में चर्चा जो है हमको ये अर्थशास्त्र में जो पुराने जो अर्थशास्त्र में मिलता नहीं है। और आज देखें तो आज जो है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस जो मिल रही है वो ग्लोबल फाइनेंस को मिल रही है, मनी को मिल रही है, कैपिटल को मिल रही है, और कैपिटल ही पुश कर रहा है हर एक चीज को। आज जो है जो गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर सारा का सारा जो खेल है कि आपने कितना कितने वोट लेने हैं, किस पार्टी किस जो है किस तरह की जो ग्रुप ऑफ पीपल्स को आपने अट्रैक्ट करना है ताकि आपको ज्यादा वोट मिले, तो सारा का सारा खेल जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का है वो मनी का है, कैपिटल का है। तो एक मुझको लगता है कि थोड़ा सा हमको थोड़ा सा और भी रियलिस्टिक होकर के देखना पड़ेगा, आज की जो इकोनॉमिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट, आज की इकोनॉमिक्स और पुरानी इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंस है। पहली इकोनॉमी जो है विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी, छोटी इकोनॉमी थी, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते थे। आज अगर हम देखें तो आज प्रोजेक्ट जो मैसिव प्रोजेक्ट की बात होती है, सारा कैपिटल का खेल है, सारा एम्पायर बिल्डिंग का खेल है, सारा पॉलिटिक्स का खेल है। तो और इसमें कई चीजें अच्छी भी हैं, अगर हम जो है अगर अपनी कंट्री में देखें कि हमारे यहाँ जब सरकार जो है सागरमाला प्रोजेक्ट की बात कर रही है, ये क्वाड्रिलेटरल रोड्स की बात कर रही है, तो मैसिव स्केल पे कनेक्टिविटी की बात कर रही है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, पर पहले ये नहीं था। तो एक जो आज की रियलिटी जो है, रियलिटी में हम पुरानी चीजें जो उसका विजडम ले सकते हैं कि जो लोक कल्याण की बात, जो जो जनता जो है प्रजा की कल्याण की बात, वो लेकर के वो जिस तरह से वो उस तरह की थिंकिंग थी, वो पूरी पूरी प्रशासन की थिंकिंग, इसके राज्य व्यवस्था किस तरह की रहेगी, आज आज भी उस तरह से सिर्फ इकोनॉमिक्स को अलग से आइसोलेट करके देखना वो बनेगा नहीं क्योंकि एक्चुअल जो स्टेट लेवल पे भी जिस तरह से हो रही है उसमें सारी चीजें कंबाइन हो जाती है।
आज आप जो टेक्नोलॉजी किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से एमर्ज कर रही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज पूरा कह रहे हैं कि जो एक चीज आपने थोड़ा सा ये जो आसुरी संपदा की बात की, जिसमें जो है वॉर की और जो है हॉस्पिटल की बात की, तो इसके साथ साथ ये भी अगर ये देखें तो आज भी वो कोई आज भी वही है, पहले भी था। अगर चाणक्य के टाइम पे देखें तो चाणक्य ने जो अपना प्रजा अपना पूरा प्रजा कल्याण की बात और राज्य व्यवस्था की बात की, तो उसमें पूरा पूरा हर जो स्टेट जो है एक दूसरे से फाइट भी कर रहा था, बाहर से भी आक्रमण होते थे, तो सिक्योरिटी कंसर्न तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज भी सिक्योरिटी कंसर्न जो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो असल में जो वैल्यू सिस्टम का है कि अगर अगर हर आदमी अपने अपने इंटरेस्ट को देखेगा, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को देखेगा, तो वो पूरा पूरा सब लेवल पे और जो है वो जो है अपना ये शिवलोक और जो है विष्णु लोक किस तरह से आएगा। रियलिटी पूरा इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे, पूरी इकोनॉमिक्स सारी बेस्ड है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो बेसिकली उसको किस तरह से आप कंप्रोमाइज करें, किस तरह से बैलेंस करें, और उसके लिए किस तरह के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें, किस तरह से रूल्स रेगुलेशन बनाएं, सारी वहां पर आ जाती है। तो ये असल में थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि वो ये यहाँ से काफी लर्निंग है जो जो शास्त्रीय जो अपना हमारा जो शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वेद है और पुराण, इनसे जो है कई तरह की लर्निंग है कि उस समय भी बाजार होता था, उस समय भी मार्केट होती थी, उस समय मूल्य जो है बढ़ता था, मूल्य का वो निर्धारण होता था। ये सारी बातें शुक नीति में भी लिखी हुई हैं, अर्थशास्त्र में भी लिखी हुई हैं। और क्या वो आज सारी सारी चीजें वैसी चलेंगी? विजडम हम ले सकते हैं, सेंस ले सकते हैं कि प्रजा कल्याण इंपॉर्टेंट है, और आज इकोनॉमी का जो साइज देखे किस तरह से बढ़ चुका है। आज इकोनॉमी का साइज वो आप जो विलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं है आज, या कोई जनपद बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, या एक जो नगर बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं है। आज सारी इकोनॉमी आप देखें, कनेक्टिविटी कम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपका पूरा पूरा इम्पैक्ट जो है जो वर्ल्ड में, आप जैसे अभी आपने यूक्रेन वॉर की बात की, यूक्रेन वॉर के होने से वहां से जो काफी पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को जो अनाज मिलता था, वो अनाज आना मिलना बंद हो गया। तो शॉर्टेज ऑफ फूड काफी हुआ, उस तरह से फ्यूल की प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि फ्यूल भी आता था, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। तो आज जो इकोनॉमी जो है इतना ग्लोबलाइज इकोनॉमी है, वेल इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है, तो उसको देखना पड़ेगा कि भी हम अपने लेवल पे जो कर रहे हैं क्या उसी से काम चलेगा, कि हमको पूरा उसको भी देखना पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है, हमको अपनी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी कि आज जो चाइना तो कुछ नहीं करेगा। तो वो बेसिकली जो है एक जो एक्चुअल जो पिक्चर जो है ना, रियलिटी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ये आज की रियलिटी है, जो पुरानी रियलिटी भी थी वहां पर भी जो है वॉर वगैरह होती थी, वहां पर भी एक दूसरे से युद्ध करते थे, पर आज तो बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट है। और जो वेपन सिस्टम भी है वो इतना ज्यादा डेंजरस हो रहा है। अब जो टेक्नोलॉजी में करें, आज जो टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है उसमें कहते हैं कि जिस कंट्री के पास एआई का पूरा पूरा कंट्रोल है, उसको वो एआई को कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो दे आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। तो ये क्या है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स यहाँ भी इकोनॉमी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, ताकि उस फील्ड में आप जो है ग्रो कर सके, उस टेक्नोलॉजी को भी आप हार्नेस कर सके, उस टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सके। मगर अल्टीमेटली आपको ह्यूमन बींग्स भी चाहिए, पीपल भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। तो ये सब के लिए अर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ के बगैर चलेगा नहीं। पर थोड़ा सा मुझको लगता है कि जिस तरह एक क्वेश्चन रेज किए गए हैं, क्वेश्चन जो पुराने समय में जिस तरह की थिंकिंग है, चिंतन है, वो चिंतन ठीक है, वो आज के उसमें भी उस चिंतन से हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। खास करके जैसे मुझको ये अपना शिवलोक की बात की, शिवलोक का चिंतन तो जो मैं देखता हूँ, असल में ये मैंने भी काफी सुना था, मैं ज्यादा दूसरे के बारे में इतना नहीं है, मगर शिव के बारे में है कि कितना विरोधाभास है। एक के पास बैल है, एक के पास सांप है, एक के पास जो है वो इधर शेर है, और आपस में एक दूसरे के वो जो एनिमी है, मगर फिर भी मिलकर के रहते हैं। और जब इस एक फैमिली इस तरह के विरोधाभास को एक इंटीग्रेट कर लेती है, इंक्लूसिव कर लेती है, तो देखिए आज वो शिव परिवार सबसे ज्यादा पूजनीय परिवार है। तो ये हमारे गुरुजी थे, वो जो है आध्यात्मिक गुरु थे, वो कहते थे कि
एक फैमिली, आज की फैमिली में भी अगर आप रहना चाहते हो तो शिव परिवार की तरह रहो। बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप आपको जो कमांडिंग पोजीशन में रखो कि मैं ज्यादा कमांडिंग में और दूसरा नहीं है, तो वहां वहां जो है कि बेसिकली विरोधाभास कहीं रहेगा, पर उसके साथ भी अगर मिलकर रह रहे हैं तो आज अगर संसार देखें तो मुझको तो लगता है तो शिवलोक ही, पर इसमें विरोधाभास ही विरोधाभास है, क्योंकि हर तरह की चीज जो है यहाँ पर मिलेगी आपको, तो मर एक दूसरे को फाइट करते रह रहे है तो शिवलोक ही, क्योंकि जो है वो एक जो है हमारे ये कश्मीरी शैविज्म के अंदर भी एक जो मंत्र की बात करते हैं जो है अघोरो और तो सारा का सारा मिलाकर के पूर्ण तो यही बनता है कि सभी तरह की शक्तियां हैं। तो अमर आप सब में सभी में शक्तियां हैं, सभी को प्रणाम किया जाए, पर वो ये क्या आज है क्या आज जो, तो मैं तो जब मैंने ये पढ़ा कि आपका आपने तीन जो है लोगों की बात की तो मुझे लगा शिवलोक तो फिट बैठता है बिल्कुल आज के समाज में, पर शिवलोक में डिफरेंस यही है कि सारा सारा विरोधाभास है, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं वो लगे हुए हैं। ये मैंने लिखा कुछ और था, वो कई चीजें और मैंने बोल दी, तो ये सुकस ये अपना श्लोक ये मैंने ये भी लिया था। एक चीज और थोड़ी सी आपने शुरू में प्रश्न में लिखी स्केर्सिटी और अबंडेंस की बात, तो इसमें हमारे यहाँ पर फिर यहाँ पर भी आकर के वो जो ईशावास्य मिदम सर्वम की बात जो की है वहां पर तो है कि भी जो अबंडेंस की बात क्या है कि बेसिकली सभी कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंचित जगत जगताम ये बात जो की है, तो श्लोक में वो हम कहते तो है कि सभी कुछ ईश्वर का दिया हुआ है और रियलिटी भी है, आज जितनी भी जो चीजें अवेलेबल हैं जो हम यूज कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं सब ईश्वर की दी हुई है और वो उसमें अनलिमिटेड है, पर वहां प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि आप जो है अपनी गिद्ध दृष्टि लगा के बैठे हुए हैं, आप ही उसको जो है सेल्फ इंटरेस्ट में यूज करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां आकर के समस्या आ जाती है। तो ये अगर इस तरह की जो जो बात कही गई कि इस तरह की थिंकिंग है और इस तरह की थिंकिंग नहीं हो रही तो हमको देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रही। अगर वो स्केर्सिटी की बात जो है आज कर रहे हैं तो आज हमको लगता है क्योंकि हर आदमी अपने अपने आप अपने अपने इंटरेस्ट को कर रहा है, अपने जो कलेक्टिव इंटरेस्ट को नहीं देख रहा, जबकि जो यज्ञ बेस आप जो है इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्या यज्ञ बेस इकोनॉमी है, क्या इसके लिए क्या इकोनॉमी से दोषी है क्या? तो बेसिकली सोसाइटी में ही एक डिक्लाइन आ चुका है, सोसाइटी में ही डिक्लाइन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आया, उसमें अब ये जो ये जितने भी नॉलेज सिस्टम डेवलप हुए ये रिफ्लेक्ट भी करता है सोसाइटी को कि सोसाइटी की थिंकिंग किस तरह से हुई है, किस तरह से ग्रो कर रही है। आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट जो है आज भी जो है सबसे ज्यादा है, अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ करके यज्ञ बेस्ड थिंकिंग शुरू करेंगे, कलेक्टिव थिंकिंग शुरू करेंगे, पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, सारी समस्याएं वैसे खत्म हो जाएंगी। तो क्या ये है? तो आज जो है बेसिकली हम जो स्केर्सिटी और अबंडेंस की बात करें कि पुराने समय में हम अबंडेंस इसलिए भी था क्योंकि जो है भूमि काफी थी, लैंड काफी थी, लोग कम थे। आज जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, हर आदमी अपने अपने आप को मोबिलाइज करना चाहता है, पैसा इकट्ठा करना चाहता है, तो स्केर्सिटी तो वैसे भी हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो मुझको लगता है थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की यहाँ पर जरूरत है कि आज के समय में और पुराने समय में बहुत डिफरेंस है। आज के समय में पुरानी जो विजडम को लेकर के हम किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वो करने की जरूरत है। वो हमारे यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गया कि इंडिपेंडेंस के बाद जो लेफ्टिस्ट थिंकिंग वगैरह जो आई तो उसमें हमारे यहाँ पर वो सारी थिंकिंग ये शुरू हो गई कि हम जो वेस्टर्न मॉडल है वही सब कुछ है, हमारे यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, हमने अपने जो 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 सोच थी उसको छोड़ दिया। आज अगर हम अपनी सोच को लेकर के आए उसके साथ आज मॉडर्न जो रियलिटी है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आज जो हम जब जो रियलिटी की बात करते हैं तो उसमें आप जो है सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जियोपॉलिटिक्स इतनी ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, वो हर एक चीज को इफेक्ट कर रही है। तो आप सिर्फ जो है इकोनॉमी के इंटरनल जो जो सेगमेंटेड या एक जो लोकल इकोनॉमी की बात करके नहीं चल पाएगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो फेज जो 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 90s के बाद शुरू हुआ उसने एकदम से और भी बहुत सारा चेंज किया है।
हालांकि कोविड के बाद रीथिंकिंग शुरू हो गई। तो हम देखेंगे एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। एक मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि जो इवन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी किस तरह से इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, किस तरह से इकोनॉमिक थिंकिंग इवॉल्व हो रही है, इससे भी हमको काफ़ी लर्निंग मिलती है। तो ओपननेस काफ़ी है, रियलिटी को उसको देख रहे हैं, पर यह है कि पुराने ट्रेडिशंस को, पुराने विजडम को हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये इसकी आवश्यकता है। मुझे लगता है ये अगर इसको लेकर के हम फिर आज के संदर्भ में देखें, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा भी गया कि आपकी नॉलेज भी जो है युगानुकूल की बात करते हैं, युग धर्म की बात करते हैं, हर युग का अपना अपना धर्म है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो सोचना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। तो युग धर्म आज का क्या है उसको देखना पड़ेगा। तो पुराने ट्रेडिशन विजडम, ये इस तरह के मॉडल जो है, ये सबको दिमाग में रखते हुए आज जो रियलिटी है, आज जो थिंकिंग है, आज की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के अगर हम चलें और फिर देखें कि क्या सोल्यूशन है, तो मुझको लगता है कुछ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए कलेक्टिव थिंकिंग की जरूरत है। इकोनॉमिक्स अकेला इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट जो है ये सारी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। आज मैं बार बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको मैं देखता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी, हालांकि टेक्नोलॉजीज तो ये क्लेम करते हैं कि वो दे हैव ए सोल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स, वो भी ठीक नहीं है। ये टोटलिटेरियनिज्म की बात जो है वो ठीक नहीं है, जबकि एक सोसाइटी में सोशल थिंकिंग भी है, एक कलेक्टिव थिंकिंग भी है, उसको भी लेना पड़ेगा। तो किस तरह से, बेसिकली टेक्नोलॉजी तो अल्टीमेटली टूल्स है, एक इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज किया ये ह्यूमन ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमन बायसेस है, इमोशंस है, एटीट्यूड है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इस सबको मिल करके सोचना पड़ेगा कि जो प्रजा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए किस तरह का मॉडल चाहिए, किस तरह की थिंकिंग चाहिए, और किस तरह के जो है इसको हम जो है इसको मैक्सिमाइज कर सके, वो तभी वो हो पाएगा। ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट को ही एक वो कह करके वो चलेगा नहीं। तो मुझको लगता है मैं इतना ही काफी है, बाकी इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करके आप जो है जो आप बताएंगे उसमें डिस्कस कर दें। मैंने लिखा तो बहुत कुछ था, पर मुझको लगा कि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया तो मैंने भी थोड़ा सा उसको थोड़ा अपने ढंग से जो है एक्सप्लेन कर दिया, इसको लिंक कर दिया। थैंक यू। अच्छा लगा, नहीं तो मुझे संकोच था थोड़ा कि पता नहीं ये बातें किसी भी इकोनॉमिस्ट को स्वीकार्य होंगी कि नहीं होंगी। कह रहा हूँ कि एक बार मेरा ख्याल साल पहले आसाम में कोई इकोनॉमिस्ट की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और ऑनलाइन ही थी वो, मैं उसमें था। तो वो लोग जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड दे वर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज द अथॉरिटी कि दे नो एवरीथिंग, कि उनका क्रिटिसिज्म जो है ओके है। तो मैंने उसमें उनको सवाल ये पूछा था, कहेगा आपकी पॉलिसीज का, और आप अपने आप को सर्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो सोचते हैं वो ठीक है, जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं वो सोचते हैं वो गलत है, तो दोनों में से ठीक कौन है? तो फेस सेविंग उनका आंसर यही था कि भी नहीं नहीं वी आर राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ इकोनॉमिस्ट हु आर ऑपरेटिंग इन दिस इकोनॉमिक एरिया। तो लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सचमुच इकोनॉमिस्ट होने के धर्म को निभा रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट का धर्म शायद ये है कि वो पूरी इकोनॉमी को एक नियंत्रण में रखे और सिर्फ वेलबींग की ओर लेकर के जाए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चलिए इन बातों को एक मिनट, मैंने अभी दिसंबर के अंदर पूना के अंदर एक स्मॉल वर्कशॉप थी जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स टीचिंग के बारे में थी, जिसमें ICSR उनके कई तरह के लोग थे जो इन्वॉल्व थे उसके अंदर। वहां पर भी डिस्कशन हुआ कि बेसिकली जो टीचिंग जो है कॉलेज लेवल पे इकोनॉमिक्स की टीचिंग कैसे होनी चाहिए, इंडियन वैल्यू सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के। तो वहां पर भी मेरा भी यही था कि आज
के जो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इकोनॉमिक्स की, जिस तरह से मैक्रो लेवल कर रहे हैं, जिस तरह से आप मनी को लेकर के चले, मनी जिस तरह से कंट्रोल कर रही है, मनी किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, उसको देख करके काफी फ्रेमवर्क्स डेवलप हो पड़े हैं, काफी मॉडल डेवलप हो गए हैं। वो मॉडल है इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो पुरानी विजडम को और मॉडर्न जो फ्रेमवर्क और मॉडल है इसको कहीं कंबाइन करके फिर समझने की जरूरत है और इवॉल्व करने की। यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, इसी के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और यही था कि कम से कम हम संस्कृत के लोगों में या दूसरे लोगों में और इकोनॉमिस्ट में एक डायलॉग ओपन कर सकें। बाकी तो चलो जितना होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे बैठें तो सही, बात तो करें। तो खैर एनीवे, नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, यू कैन शो योर डिसएग्रीमेंट आल्सो, मोस्ट वेलकम। जी सबसे पहले डॉक्टर अपनी ऑब्जर्वेशन भी दीजिए, साथ में अपने पॉइंट भी दे सकते हैं। हाँ प्लीज। तो सबसे पहले आर के गुप्ता जी एंड देन फॉलोड बाय कौन थे, किसी ने हाथ बीच में खड़ा किया था। सर मैं ये कहूँ पहले दूसरे जो हमारे साथी हैं वो अपनी बात कह लें। अच्छा नहीं, आपने हाथ पहले खड़ा किया था ना, तो मुझे लगा वो नहीं किया था कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ओके नहीं, पहले दूसरों की बात सुनना ज्यादा चाहूंगा मैं सर। ओके ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जी। किसी और की कोई, बीच में शायद राकेश जी ने एक हाथ खड़ा किया था, और नहीं है तो मैं अरुण कुमार जी की तरफ चलना चाहूंगा। डॉक्टर अरुण कुमार जी सर, आप सुन पा रहे हैं? गुप्ता जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, वो फिर शोर करता। कोई भी, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, तो इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल गलत सही कुछ नहीं होता, जिसको आप जस्टिफाई कर लें वो सही हो जाता है। तो प्लीज आप लोग अपना ओपन अपने डिस्कशन है, तो जो आपकी ओपिनियन है या जैसे आप सोचते हो तो प्लीज यू कैन शेयर। डॉक्टर गणेश दत्त जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? रविंदर जी शुरू कर दे तभी काम चलेगा। नहीं, मुझे कुछ कहने का इंटरेस्ट अभी नहीं है। इकोनॉमिक्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ ना ही कोई ज्यादा, लेकिन मुझे बस अटेंड करना था आपका, इसलिए मैं बैठा हूँ। ओके ओके ठीक है। मुझे लगता है कि हमारे साथ वैसे तो इकोनॉमिस्ट भी कुछ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संतोष वैद हैं, और डॉक्टर अनुभा आप कुछ कहना चाहेंगी या और लोग अभी कुछ की ऑब्जर्वेशन? जी डॉक्टर अनुभा जैन जो है, हाँ जैन दर्शन की दृष्टि से जैनिज्म के ऊपर इन्होंने काफी काम किया है, और अभी पीछे ये जैन हिस्ट्री में काम कर रही थी जहाँ पर इकोनॉमिक आइडियाज शायद उस पे बात करें। प्लीज गो अहेड। अपनी तरफ से मैं सबसे पहले सबको मेरा सादर प्रणाम, और यहाँ पर बारिश बहुत तेज हो रही है, हो सकता है सर नट किसी भी टाइम पे हो, इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं की अपनी। दूसरी बात ये है कि जैन दर्शन में जो कुछ भी धन के बारे में, अर्थ के बारे में या द्रव्य के बारे में, क्योंकि तीनों का ही मीनिंग यहाँ पर सेम दिया गया है, जो यहाँ तक मेरा नॉलेज स्टैंड करता है, छोटा सा मैं अपनी बात कहने चाहूंगी, जो कुछ भी रहेगा वो सिर्फ जैन दर्शन के दायरे में ही रहेगा, उससे मैं बाहर निकल कर किसी पर भी कोई भी वो नहीं है। हो सकता है कि मेरी बात से किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। अब जो जैन दर्शन है, जैन संप्रदाय है, वो निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि ये एक निवृत्ति प्रधान है, वैराग्य का यहाँ पर जोर रहता है, और इसका जो अपरिग्रह सिद्धांत है वो तो मार्वलस है, जिसको कहना चाहिए आदर्श सिद्धांत है, क्योंकि वो टोटली धन के महत्व का विरोधी है। इस दर्शन में इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर धन की महत्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि धन संग्रह मुक्ति में बाधक है, उसमें यहाँ इसके अकॉर्डिंग, जैन परंपरा के अकॉर्डिंग कुछ भी सुख नहीं है, ये कहा गया। लेकिन सामाजिक जीवन में धन के महत्व को ये संप्रदाय स्वीकार तो करता है। अब जहाँ हम अगर जैन पुराणों के अनुसार माने तो आदि पुराण, जिसमें कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, आदि ऋषभदेव का
वर्णन किया गया है, उनकी शिक्षाओं का, उनके जन्म का, उनके जीवन का सारा कुछ वर्णन किया गया है, तो वही अर्थव्यवस्था का संस्थापक कहे जाते हैं। उन्होंने अपना जो उनका पुत्र था भरत, उसके भरत चक्रवर्ती की उसके लिए ही जीवन यापन के लिए उनको अर्थशास्त्र का यहाँ पर उपदेश दिया। लेकिन एक मिनट आप मुझे अलाउ करें तो मैं अपनी साइड वो निकाल लूँ। यहाँ पर मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी कि जैन दर्शन में अवसर्पण काल चक्र के माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी इसके यहाँ पर दो भाग हैं काल चक्र के, ठीक है, और वहां पर पांच पांच उनके विभाग होते हैं, अंदर आरे होते हैं। वर्तमान काल जो है आप सभी जानते हैं कि घटती का युग है, हर चीजें घटती जा रही है, सिर्फ एक क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसके तीसरे आरे तक, मतलब जो काली समय चल रहा है अवसर्पणी, उसके तीसरे आरे तक कल्प वृक्षीय व्यवस्था रही, जिसे हम भोग भूमि के नाम से जानते हैं, और धीरे धीरे भोग भूमि की व्यवस्थाएं जब समाप्त होने लगी तो उसके बाद कर्म भूमि अर्थात अर्थ की महत्ता का युग आरंभ होता है। कर्म काश्य निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि पुरुषार्थ से ही है, जीवन के जितने भी भौतिक और अभौतिक क्षेत्र हैं उनमें सब में पुरुषार्थ तो जरूरी है, और पुरुषार्थ करने के लिए हमें धन का अर्जन करना जरूरी है, जिसे हम आधुनिक सभ्यता का प्रारंभिक युग भी कहते हैं। जैन परंपरा में उसे कर्म भूमि कहा गया। अब इसकी बुनियाद पर, पुरुषार्थ की बुनियाद पर ही कोई सभ्यता, जो यहाँ की सभ्यता है, मानव सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी उत्पत्ति होती है। भारतीय जो सभ्यता है उसके पहले समय में जो भी विवरण किया गया, चाहे वो धन को लेकर, अर्थ को लेकर, मंगलाचरण को लेकर कुछ भी किया गया, उसमें हम, मेरा ये मानना है कि सच्चाई भी है, फैक्ट भी है, और उसमें साइंटिफिक रीजंस भी। अब इस अर्थशास्त्र को जो जैनिज्म में प्रमोट किया, वो सबसे पहले 24 तीर्थंकरों में तीन तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसको अर्थव्यवस्था को प्रमोट किया। सबसे पहले तो आदिनाथ जी, दूसरे 22वें तीर्थंकर हैं निमिना जी, और नेक्स्ट हैं इनके 24वें तीर्थंकर महाविस्वामी, के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। अब लक्ष्मी धन की जो महत्ता यहाँ पर बताई गई है, हालांकि वैराग्य प्रधान है, लेकिन फिर भी तीर्थंकर की जब उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, तो उनकी मदर को 16 स्वप्न आते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक लक्ष्मी का भी होता है। अब इसके अंतर्गत लक्ष्मी समृद्धिदायिनी भी है, निश्चित रूप से धन की देवी भी है, और कुल में धन की वृद्धि का सूचक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब पैसा आ रहा है तभी वृद्धि हो रही है, जब आपके पास लक्ष्मी आ रही है तभी वृद्धि हो रही है, वो पुत्र के रूप में भी तो आ सकती है, जिसने सारे वर्ल्ड में नाम कमाया। तीर्थंकरों के रूप में उन्होंने अपने सारे वर्ल्ड पे नाम कमाया, उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त की, या इस संसार को त्यागने में उनकी वो हुई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धन सिर्फ एक जो क्वाइन गोल सिक्का होता है, वो कहते हैं ना माता जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, सिर्फ एक उसी रूप में नहीं है, लेकिन वो हमें किसी भी फॉर्म में, किसी भी समृद्धि के रूप में, किसी भी सुख शांति के रूप में हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। अब उस संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, कहते हैं गजधन गोधन बालधन रतन धन। अब निश्चित रूप से अगर हमारे पास चार पहिया है या बड़ी गाड़ी है तो वो हाथी के समान है, कहते हैं हाथी की। मैडम थोड़ा सा इसको ब्रीफली अगर पॉइंट रख दें तो वो ज्यादा अच्छा, ताकि फिर हम बाकियों को भी ले सकें। हाँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात तो है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली रख दें। इसको और ब्रीफ करती हूँ सर मैं आपको। एक इसमें जो मेन पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, असी मसी कृषि के ऊपर, असी राजतंत्र, मसी यहाँ पर कहा गया है अर्थतंत्र, और कृषि यानी प्रजातंत्र, मतलब अब तीनों को ही लेकर इसमें संस्कृति भी, ज्ञान विज्ञान भी, कला शिल्प भी, व्यापार वाणिज्य भी, सारे प्रकार की ही जो आधारशिलाएं हैं इसमें जैन धर्म में, उनको महत्ता दी गई है। सिर्फ ये नहीं है कि अर्थ के ऊपर ही। जी 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 हाँ, ये बात ठीक है। ये तो है कि अभी आपने जैसे इसमें लिखा था, अर्थस्य पुरुषोदास है या अर्थोदास है न कस्यचित, कि धर्म अर्थ का हेतु है या अर्थ धर्म का हेतु है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि धर्म और अर्थ में मोक्ष जीवन का लक्ष्य तो है, साध्य है, धर्म उसको प्राप्त करने का साधन स्वरूप भी है, तो मोक्ष क्या स्वतंत्र पुरुषार्थ है?
धर्म पुरुषार्थ का उपरांत मोक्ष पुरुषार्थ तो है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ की साधना में धर्म और काम गुण हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो धर्म पुरुषार्थ के पूर्वार्ध में जीवन की जो साधना की जाती है उसमें चाहे अर्थ है चाहे काम है, उनकी साधना तो सम्मिलित है। लेकिन अभी जैसे कहा कि क्या सिर्फ हम इकोनॉमी के जरिए पढ़ते रहे, यदि हम पैसे के बारे में सोचते रहे, यदि हम सिर्फ ये कहें कि हमें उसके रूप में धन के रूप में समृद्धि हो, तो हर कोई आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा अर्न तो करे, हम अर्न तो करें, लेकिन हमारे बच्चे संस्कार में भी रहें। अब वो संस्कार की क्या महत्ता है? अगर धन की महत्ता है तो इसका मतलब संस्कार की नहीं है। और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे अर्न तो करें, लेकिन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो संस्कार में भी रहें। सर मैं आपको एक सिर्फ एक पिक भेजती हूँ, आप अगर हो सके तो इस पे दिखा दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जी। सर बस एक ही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी, सर फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। यहाँ पर पहुंची सर आपके पास जी, ये है वो मुझे अपलोड करनी पड़ेगी, मैं कर देता हूँ बाद में। अच्छा चले सर बाद में कर दीजिए। यहाँ एक पेड़ है, पेड़ पर 6 लोग लगे हुए हैं, कोई जड़ काट रहा है, कोई टहनिया काट रहा है, कोई फल तोड़ रहा है, कोई फल वाली टहनी काट रहा है, मतलब 6 चीजें हैं। उसे हम यहाँ पर लेशिया के जरिए कहते हैं, जो इकोनॉमी जैनिज्म में दिखाई गई है, मेंटल एटीट्यूड। अब देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस गिवन टू द लेशिया। लेशिया मतलब जो आदमी का किसी भी चीज को प्राप्त करने का मेंटल एटीट्यूड है, मतलब धन को प्राप्त करने का जो मेंटल एटीट्यूड है वो बताया गया। इसका मतलब ये है कि हमारी एक्टिविटी रिफ्लेक्ट करती है हमारे एटीट्यूड से। हम जो धन की प्राप्ति करते हैं वो हमारी क्रियाओं में लक्षित होती है। यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि 6 दोस्त हैं, और 6 दोस्त में होता है कि हमने इस एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर लगे फल को खाना है, 6 का 6 यही उद्देश्य होता है। अब कोई उसकी जड़ को काटता है, कोई उसकी टहनी को काटता है, कोई जिस पर फल लगे सिर्फ उसकी टहनी को काटता है, आखिर वाला दोस्त क्या कहता है, जो कि हमारे तीर्थंकरों का मत है, वो ये कहता है कि नहीं कुछ मत करो, जो पेड़ से अपने आप फल गिर जाएंगे आप उनको खा लो। यहाँ पर मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगी कि पर्यावरण है, चीजें हैं, सारा कुछ है, लेकिन आज भी चाहे वो इकोनॉमिस्ट है चाहे वो एनवायरमेंटिस्ट है, हर कोई ये चाहता है कि प्रकृति को नष्ट किए बिना हम धन की प्राप्ति करें। चलिए शुक्रिया मैम जी। गुप्ता जी मुझे लगता है आप अपनी बात कह लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से फिर एक तो प्रश्न करना चाहिए। धन्यवाद आशुतोष जी। आज वास्तव में पहले तो आपका उद्बोधन और उसके बाद साहब का उद्बोधन, दोनों मेरे को तो ऐसे लगा जैसे दोनों ने गागर में सागर भर दिया, और इतने आयाम आपने इस विषय पर रख दिए हैं कि जिनके ऊपर व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन मेरे लिए टिप्पणी करना तो बहुत ही कठिन भी नहीं किया, मैं तो कहूँगा असंभव है। सच तो ये है, और विशेषकर इसलिए भी है कि जिन शास्त्रों का आपने उदाहरण दिया मैंने उनमें से किसी को नहीं पढ़ा हुआ, एक को भी नहीं पढ़ा हुआ सर। मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है आशुतोष जी, भगवत गीता को ही पढ़ा है, उसी के संदर्भ में एक दो बातें कहूंगा आपसे। लेकिन पोएस साहब ने जो ना इतनी बातें रख दी कि मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनके किस बिंदु पर चर्चा की जाए। को एक कोई ऐसे विषय छोड़ा ही नहीं है अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ या आर्थिक उससे कि जिसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर सकें। और मैं इसलिए अंत से शुरू कर रहा हूं सर, जब आपने बात की थी इंडियन वैल्यू सिस्टम, ये अपने आप में आज के युग में बड़ी समस्या वाली समस्या है। कारण कि जब हम इंडियन वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कट्टरपंथ और सांप्रदायिकता का नाम दे दिया जाता है। इसलिए विद्यालयों में इंडियन इकोनॉमिक्स तो पढ़ाई जाती है,
लेकिन इंडियन वैल्यू सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। दूसरी बात सर, अब जैसे आपने लेफ्टिस्ट थिंकिंग की बात की, जियोपॉलिटिक्स की बात की, ओल्ड वैल्यू सिस्टम की बात की, इनके अनेक प्रश्न, शिवलोक की बात की, वेल्थ विजडम की बात की, तो मैं इन सब को इसलिए ले रहा हूं सर कि एक एक पर यदि हम चर्चा करने लगे तो ये अपने आप में एक एक दिन का विषय हो जाएगा। केवल मैं भगवद गीता के संदर्भ में सर सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहता हूं। आज यदि आप भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, वो विश्व के स्तर पर भी लागू होती है वैसे तो, कि क्या गरीबी समस्या है, विपन्नता समस्या है या विषमता, क्या सहयोग व्यक्तिवाद आवश्यक है या सामाजिकवाद, या सामाजिक जिसे आप कहते हैं समष्टिवाद। इन दो तीन बातों पर मैं सिर्फ आपको ध्यान देना चाहता हूं सर, ज्यादा क्योंकि अपने आप में भगवद गीता में तो पूरा अर्थशास्त्र मिल जाएगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। जी जी, तो अब इसमें देखिए सर, एक दो श्लोक मैं बता रहा हूं आपको। अब पहला है सर तीसरे अध्याय के, यदि आप दसवें से लेकर बारहवें श्लोक तक जाएं, यानी कि गरीबी को दूर करना अवश्य बहुत आसान है, क्योंकि हमारी समस्या गरीबी नहीं है, विपन्नता नहीं है, बल्कि विषमता है। उसका कारण क्या है कि जो व्यक्तिवाद आया है, यानी कि वेल्थ हैज ओवर पावर्ड द विजडम, या विजडम की बात है, सह यज्ञ से शुरू होती है ये बात इस श्लोक में दसवें से, और अंत में बारहवें में स्टेन एवसे की बात है। यानी कि जब हम जो आजकल प्रॉब्लम है ना, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अपने लिए, और जो कि जैसे आपने आशुतोष जी शुरू में कहा था कि क्या जो हम अर्न कर रहे हैं वो दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, देवी संपदा क्या है, देने की संपत्ति, आसुरी संपदा क्या है कि आ मेरे पास आ जाए टेकर, इसी की बात है। लाइफ गिव्स टू गिवर, लाइफ गिवन टू गिवर एंड टेक टू फ्रॉम टेकर, तो दोनों जुड़े हुए सर चीजें ये। इसी प्रकार से प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि आज इकोनॉमी को जो बहुत ज्यादा सीधे सीधे प्रभावित कर रही है, चाहे वो वार है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो पर्यावरण है, तो संक्षेप में केवल एक बात कर रहा हूं सर, चौथे अध्याय का जो ग्यारहवां श्लोक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। समय को दे तो पूरा तो नहीं दे रहा हूं सर मैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण मोटे तौर पर क्या कह रहे हैं कि ये यथा मैं प्रपद्यन्ति, वह कह रहे हैं कि हे प्रीतानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी कि हम जो समाज को, विश्व को दे रहे हैं, प्रकृति को दे रहे हैं, प्रकृति हमको दे रही है। हमने वन काटे, नदियों का प्रदूषण किया, और आज हम ग्रस्त किससे इकोनॉमी हमारी, तो जैसा हम भगवान को देंगे भगवान हमको उसी प्रकार से देंगे। तो इसको हम यदि सोच लें कि क्या हम दे रहे हैं, और यहाँ पर मेरा भगवान से, उस भगवान से तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि जो जो आप कहें कि ऊपर के किसी शिवलोक में या कहीं पर है, इसी पृथ्वी लोक में है, हम सब में ब्रह्म है भगवान, जो हमारा वेदांत कहता है। यानी कि मेरे यहाँ भगवान का अर्थ क्या है कि जो मैं अन्य सबको दे रहा हूं वो मेरे को वापिस मिल रहा है, यदि इस दृष्टिकोण से हम देखें। इसीलिए भगवत गीता में अर्थशास्त्र का जो कल्याण की बात है, सर्वभूत हिते रता और लोक संग्रह, इन दो सिद्धांतों के ऊपर यदि हमारी इकोनॉमी बेस हो जाए या इन वैल्यूज की बात की जाए, तो वो जो वैल्यू रिडन लाइफ है वो तभी बनेगी। आज लेकिन स्थिति क्या आ गई है, वेल्थ हैज ओवर पावर्ड विजडम। पढ़ा तो हमने ये था सर कि सरस्वती को का अनुसरण लक्ष्मी करती है, आज स्थिति क्या आ गई है कि लक्ष्मी का अनुसरण
सरस्वती तो नहीं करती है, लेकिन हम जबरदस्ती कह देते कि सरस्वती थी उसके बाद, इसलिए उसने लक्ष्मी का कर लिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभारी हूँ और क्षमा चाहूंगा प्रोफेसर साहब से कि उनकी बहुत सी बातों पर चर्चा करना चाहता था, परंतु क्या करूं मैं, उन्होंने इतने कम समय में इतनी ज्यादा आयाम रख दिए कि किसको पर करें चर्चा, किसको छोड़ें। तो इसलिए मैं पुनः उनका बहुत विशेष रूप से आभारी हूं, प्रोफेसर साहब का और आशुतोष जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू सो मच जी। इनकम टैक्स जिन्होंने हाथ उठाया हुआ है, नाम इनकम टैक्स आ रहा है, प्लीज आप अपनी बात बहुत संक्षेप में रखें, अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अरुण जी आप कुछ कहना चाहेंगे, नहीं तो फिर मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने दें। चलिए, मुझे लग नहीं रहा, तो प्रोफेसर कॉल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अनिल मित्तल डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी मित्तल साहब, हाँ प्लीज आप हाँ बात रखें संक्षेप में और सटीक। मैं डॉक्टर साहब सिर्फ यही बात रखना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब की भी मैंने बात सुनी जी, मैं तो सबसे बड़ी बात ये रखना चाहता हूँ, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई कम्युनिटी है, चाहे वो कोई कंट्री है, क्या वो इस इकोनॉमी के अंदर खुश हैं? चाहे उनके पास एबीसी कोई भी अमाउंट हो। अभी मैंने पीछे एक 8 दिन की कानपुर में वर्कशॉप अटेंड की थी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि देखिए आपकी अपनी जो भी नीड्स हैं, इकोनॉमी क्या है, सपोज करो कि भी एक व्यक्ति यूएस के अंदर है और उसके पास 1 करोड़ रुपए का पैकेज है, राइट? अब 1 करोड़ रुपए के पैकेज के अंदर वो सारी जिंदगी वहां लगा हुआ है, वेदर ही कैन यूज दैट मनी। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ने यही कहा था कि आपकी एबीसी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप उनका मूल्यांकन कीजिए कि मुझे कपड़े के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे लग्जरी के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे घूमने के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे मकान के लिए कितना पैसा चाहिए। जिस दिन आप वो ठंडे दिमाग से और ह्यूमन वैल्यूज को अपने दिमाग में रख के उसका मूल्यांकन करेंगे तो जरूरतें बहुत नेग्लिजिबल सी रह जाती हैं। और दूसरी बात, जो हम ये इतनी इकोनॉमी को फैलाया हुआ है, हमने इतनी हम अर्निंग कर रहे हैं, वो हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? सोने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है एक इंडिविजुअल के लिए, कंट्रीज के लिए कोई वैल्यू होगी मैं नहीं मानता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इंडिविजुअल के लिए कोई वैल्यू नहीं है सोने की, उसने सिर्फ एक लॉकरों में रखा हुआ है, उसका भी वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जब से मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के यहाँ से वो वर्कशॉप करके आया हूँ, तो मैंने जब अपनी जरूरतों का मूल्यांकन किया तो मुझे ऐसा लगता है कि भी मेरे पास जितना पैसा है वो तो बिल्कुल सरप्लस है, यानी कि अपनी जरूरतें पूरी जिंदगी की पूरे करने के बावजूद भी सरप्लस है। अब मुझे अगर अर्निंग करनी है तो किस लिए, पहली बात, और दूसरी बात, अगर करनी है तो वो क्या मैं अनलॉफुल मीन से करूं? अगर वो अनलॉफुल मीन से करता हूं तो वो मेरी आत्मा के ऊपर बोझ पड़ता है जबकि उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। तो अगर कलेक्टिवली, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, अगर कलेक्टिवली सारे जो है ह्यूमन वैल्यूज के बेस के ऊपर सोचना शुरू कर दें और अपनी अपनी जरूरतों का मूल्यांकन शुरू कर दें तो ये कारपोरेट जगत अपने आप ही ढह जाएगा और इस इकोनॉमी की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। दूसरी बात ये कहता हूँ कि भी एक व्यक्ति तो यूएस में जाके जो है वो 1 करोड़ रुपए का पैकेज लेता है, लेकिन वो रात को नींद की गोली खा के सोता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक मजदूर आदमी है जिसका सिस्टम भी अच्छा है, वो खाना खा के पचा भी लेता है और वो रात को गहरी नींद भी सो जाता हो, मैं समझता हूँ कि वो इकोनॉमी इससे ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर है। तो अगर आप अपनी जरूरतों का मूल्यांकन, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा, अगर हम ऑनेस्टली करके अगर उतना ही अर्न करें और उसके बाद मॉरली
और मतलब कि भी एक ऑनेस्टफुल तरीके से कमाना शुरू कर दें, और ये जो है वार और हॉस्पिटल्स, अब दूसरी बात हॉस्पिटल्स के ऊपर आइए कि भी पहले तो हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, जो कि हेल्थ बची ही नहीं, डे बाई डे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर जो है बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अभी आप ये देखिए कि मक्का मदीना के अंदर ड्यू टू हैवी हाई टेम्परेचर 1000 आदमी मर गए। तो अल्टीमेटली जो हम ये अनलॉफुल मीन से कमा रहे हैं, कल को कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को ही भुगतना पड़ेगा। तो वेदर वी एक्सेप्ट दिस, मतलब कि भी हमारी जनरेशन को ये आगे भुगतना पड़े, और हम अपनी जनरेशन को क्या देके जाएंगे। अगर हम अपनी जरूरतों का मूल्यांकन करके और उसके बाद अगर वो पूरी हो जाती हैं, उसके बाद पर्यावरण के लिए सोचें, अपने इम्यून सिस्टम के लिए सोचें, अपने आने वाली जनरेशन की वेलबींग के बारे में सोचें, तो ये इकोनॉमी मेरे हिसाब से सुधर सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है आपने कही है। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विजय कुमार पॉल जी को, कि वो हालांकि कुछ बातें ठीक नहीं रही हैं, लेकिन जो भी कुछ कहा गया है उससे आप अनुमान कर सकते हैं कि प्रतिभागी किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से इकोनॉमी के बारे में उनका एक परसेप्शन है। तो मैं चाहूँगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर अपने बात रखें हमारे साथ, और इस बात पे भी वो थोड़ी चर्चा करें कि हमारे पास आगे संभावनाएं क्या हैं, कि क्या इस तरह से सोचना कि एक या दो सब्जेक्ट्स के लोग मिलके बैठें और आपस में चर्चा करें, क्या ये संभव है कि इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। थैंक यू। मैंने अभी जो लास्ट वक्त है उन्होंने जो इसकी हैप्पीनेस की बात की, हैप्पीनेस जो है असल में हमारे यहाँ तो पूरे पूरे शास्त्रों में और फिलोसफी में है, हैप्पीनेस तो आपकी इंटरनल होती है असल में। इकोनॉमी और उससे जो है हैप्पीनेस वो जो है एक मीन्स हो सकता है, पर अल्टीमेटली तो इंटरनल है सारा का सारा। आपने अपने आत्मा में जीना शुरू कर दे तो आनंद ही आनंद है। तो हमारे यहाँ तो सारा का सारा जो फिलोसफी ही कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो एक्सटर्नल मीन्स है उससे आपको आनंद तो मिलने वाला नहीं है। ये पर्सनल एटीट्यूड है बेसिकली। एक आदमी जैसे आपने खुद ही एग्जांपल दिया, एक को जो है 1 करोड़ का पैकेज है और एक जो है मजदूरी कर रहा है, और दोनों में एक वो आराम से सोता है, एक को नींद ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये तो पर्सनल एटीट्यूड हो गया ना, कि आप किस तरह पूरे जीवन को किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आपने आपने अपनी दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया तो आनंद ही आनंद है वो। तो बेसिकली मुझे लगता है आनंद की बात और हैप्पीनेस की बात जो है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। मतलब असल में आशुतोष जी तो एक बड़ा अच्छा फोरम है ये, यहाँ पर ये डिस्कस कर सकता है कि हैप्पीनेस कहाँ कहाँ से मिलेगी, हैप्पीनेस क्या इकोनॉमी इकोनॉमी देगी। एक इकोनॉमी एक मिनिमम नीड्स फुलफिल करने के लिए है कि वो हर्डल क्रिएट ना करे, फैसिलिटेट करे, वो ठीक है, बट अल्टीमेटली ये तो आपका इंटरनल है सारा। बाकी जैसे आपने कुछ सर व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी सर, अभी ये जो कहा जा रहा है ना कि भी एक ने 1 करोड़ रुपया कमाया, एक ने मजदूर ने कमाया और वो जो आराम से सो गया, मेरा एक प्रश्न है सर, क्या मजदूर सुख पूर्वक सो रहा है अथवा मजबूरी में सो रहा है। चलिए ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूंगा आपको कि एक मजदूर हो सकता है कि वो शायद आराम में नहा सो रहा हो, लेकिन एक आदमी एक रीजनेबल अर्निंग है जिसकी 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग है, वो तो शायद मैं समझता हूँ उसको आगे ग्रीड करने की जरूरत नहीं है। उसका जब अपनी जरूरतों का मूल्यांकन हो जाएगा तो वो जो है उस टाइम वो आराम की नींद सो भी पाएगा। अच्छा, और दूसरी बात क्या है डॉक्टर साहब, अर्थव्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसका जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ने सिखाया कि अल्टीमेट इंसान की लाइफ का गोल क्या है, उभय सुख और उभय समृद्धि। अब एक व्यक्ति जो है 1 लाख रुपए कमाता है और उसकी नीड्स 50,000 रुपए की हैं, एक आदमी 50 लाख रुपए कमाता है और उसकी नीड्स अनलिमिटेड है 1 करोड़ रुपए की हैं, तो उभय सुख और उभय समृद्धि 1 लाख रुपए वाले में तो आ सकती है, लेकिन 1 करोड़ वाले में नहीं आ सकती। ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए अल्टीमेट गोल जो है वो इंसान का उभय सुख और उभय समृद्धि है। जिस भी अर्थव्यवस्था से वो उभय सुख और उभय समृद्धि मिल जाए, मैं समझता हूँ कि वो अर्थव्यवस्था कंपैरेटिवली बेटर है,
और जब आप अपनी जरूरतों का मूल्यांकन करेंगे और अपनी नीड्स को घटा देंगे तो हम पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी आने वाली ह्यूमन वैल्यूज़ को भी सुरक्षित कर सकते हैं, ईमानदारी भी आ जाएगी और आने वाली जनरेशंस के लिए भी कुछ वेलबींग के लिए हम काम कर सकते हैं। इसमें मुझको याद है कि भी मैंने पीछे एक वर्कशॉप अटेंड की थी, उसके अंदर रमाकांत अंगिरस जी ने एक जो है स्टेटमेंट दी थी कि हमारे यहाँ पर समाज में देशों में इतनी समस्याएं हैं, ये समस्याओं का सलूशन क्यों नहीं है। तो उनका ये था कि इस समस्या का सलूशन तभी होगा जब सभी लोग संकल्प एक ही करेंगे। तो एक संकल्प क्या वो संभव है? तो वह मुझको लगता है यहाँ आकर के सारी बातें हो जाएंगी। अगर सभी लोग एक तरह से सोचना शुरू करें, संकल्प करें कि हमको ये अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली चलना है, तो समस्या रहेगी कहाँ? जी, ताइवान, यही एक अल्टीमेट गोल तो यही है, चाहे वो संभव हो या ना हो। नहीं, वो असल में एक आइडियल सिचुएशन है, आदर्श स्थिति है, वो डेफिनेटली हमारे सामने होनी चाहिए कि हमको जो है हमारा गोल भी होना चाहिए, हम क्या क्या चाहते हैं, और वो मतलब उसको वो सभी लोग शेयर भी करें। तो यहाँ हमारे यहाँ पर क्योंकि हम काफी लोग तो एजुकेशन के साथ लिंक है, हमारे ये लगता है कि एजुकेशन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है डिफरेंट डिसिप्लिन में लोग हैं, सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोच रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपना सोचते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले अलग सोचते हैं, इकोनॉमिस्ट भी सोच रहा है, टेक्नोक्रेट्स और साइंटिस्ट वो भी अपने ढंग से सोच रहा है। अगर वो सब देखें कि समस्या है और समस्या को लेकर उसका सोल्यूशन सोचना शुरू करें तो निकल सकता है बिल्कुल। और अब मुझे जितना मेरे पास पैसा है उसमें ये लगता है कि भी वो नीड के हिसाब से बहुत है, और कुछ हद तक 90% तक मैंने वो उभय सुख और उभय समृद्धि पा ली है। तो कम से कम मैं तो अपने आप में सेटिस्फाई हूँ, और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग अगर इस चीज को आगे मतलब कि भी फॉलो अप करें तो वो भी अपने लिए उभय सुख और उभय समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और इसी तरीके से धीरे धीरे ये अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। मुझको लगता है कि इस तरह की थिंकिंग काफी लोगों की है, जो अगर जिन लोगों को आप देखो जिनके फेस चमकते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो डेफिनेटली इसी तरह का इस सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे। एक मिनट सर, एक डॉक्टर राकेश रोशन जी, आपकी क्या टिप्पणी है सर? आप जी सर, नमस्कार, सभी को प्रणाम। सर एक मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे इकोनॉमी की बात हो रही है, तो मान लीजिए हम भारत और अमेरिका के तुलना में उनकी इकोनॉमी या उनकी जीडीपी की तुलना में यदि देखें, मान लीजिए अभी जो भारत की इकोनॉमी है वो लगभग $4 trillion के आसपास में है, और उसी के रेफरेंस में अमेरिका की इकोनॉमी लगभग 25 के आसपास में है, तो 6-7 गुना मल्टीप्लाई मतलब उसके फैक्टर में वो ज्यादा है। और वहाँ के यदि हम थालिनोमिक्स की बात करें या मतलब जो उनकी खाद्य वस्तुएं हैं उनके रेफरेंस में देखें, तो वो भी यहाँ की तुलना में वो 7-8 गुना मतलब 6-7 गुने महंगा है। तो कहीं जानबूझ करके ऐसी महंगाई बढ़ा करके इकोनॉमी का जो ये है मतलब डायमेंशन उसको बढ़ा दिया गया है, ऐसा तो नहीं है क्या? इसकी आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, असल में हर एक स्थान का, हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग होता है, क्योंकि आप देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट लोकेशन जो है यहाँ रिसोर्सेज डिफरेंट वेरी करते हैं, डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है ऑल ओवर द प्लेनेट जो पूरा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपका जो वैल्यू सिस्टम बनता है, वैल्यूज बनते हैं, उसकी जो है वैल्यू लगाते हैं, कॉस्ट बनती है, फिर कई चीज़ें आप जो इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये असल में ये कंपेयर करना, असल में हम ये हर एक चीज़ मान के चले कि बिल्कुल यूनिवर्सल सिस्टम है, कि हर एक जगह पर एक जैसी स्थिति ऐसी नहीं है। बेसिकली हम जैसे अभी मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हालांकि आशुतोष जी ने क्वेश्चन में काफ़ी एग्रीकल्चर एग्रीरियन सिस्टम की बात और उसकी बात की है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात भी की है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जो पूरा जो इवन जो इंडिया ऐसी जैसी कंट्री में, बिग कंट्रीज में, हमारे यहाँ पर कहते हैं कि अराउंड 50 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। बेसिकली जो हर एक एरिया जो है ना वो डिफरेंट है, उसकी सॉइल डिफरेंट है, वहाँ जो सिस्टम डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की जो 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 क्रॉप वगैरह है जो उसके लिए सुटेबल है।
तो उस तरह से आपको जो है, अगर आप कहें कि सारी जगह पर पूरे इंडिया में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, हर जगह पर एक ही चीज होनी चाहिए, वो चलेगा नहीं। बेसिकली वो जो लोकल लेवल पे जो डेवलपमेंट है, लोकल लोकेलिटीज के ऊपर भी काफी चीजें छोड़ने की जरूरत है। तो ये चीज जो है कुछ कंट्री वाइड भी जो है एप्लीकेबल है कि हर एक के रिसोर्स अलग अलग। अब रशिया में है, रशिया में मिनरल रिसोर्सेज काफी है, ऑयल काफी है, दूसरे रिसोर्सेज है, पर कुछ काफी चीजों की कमी है वहां पर। तो ये हर एक जो है जो रिसोर्स जो डाइवर्सिटी है, डेविएशन है बहुत ज्यादा, उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी को आपको बनाना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी हर लेवल पे बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, कुछ रिसोर्सेज चीपली अवेलेबल है, कुछ अबंडेंस में अवेलेबल है, कुछ स्केर्स रिसोर्सेज हैं, तो वो सब जो उसको देख करके आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे आजकल जैसे आज सभी लोग जो सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब सोलर एनर्जी तो ठीक है, हमारी कंट्री में सोलर जो इतना ईश्वर ने जो है सन इतना दिया हुआ है, यहाँ पूरा पूरा जो है 12 महीने आपको सन की अवेलेबिलिटी है, तो हम सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा अच्छा हार्नेस कर सकते हैं। और इसमें एक और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया था, तो इसके सोलर उसके साथ साथ हमको कई तरह के जो उसको जो बैटरी सिस्टम चाहिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो बैटरी चाहिए, उसके लिए जो कई तरह के जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो रेयर अर्थ की बात करते हैं, रेयर अर्थ के ऊपर सारा का सारा कैप्चर जो चाइना का है, 90% ऑफ द रेयर अर्थ जिस समय जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चाइना में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आप जो है एक तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हम अपना जो पूरा पूरा सिस्टम इस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं, तो अच्छा है, पर आपकी डिपेंडेंस कितनी है। तो ये एक ये है ना, एक तो हर एक रिसोर्सेज जो है उसको भगवान ने बोरा पूरी तरह से अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो ये भी शो करता है कि आपकी डिपेंडेंस दूसरे ऊपर कितनी है, आपकी इंटरडिपेंडेंस कितनी है। हम तो अपने जो इसकी जो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि पूरा पूरा सारा का सारा एक ही पार्ट है, तो वो डिपेंडेंस की बात जो है इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो बेसिकली आपको जो प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको इकोनॉमी करनी पड़ेगी, आपको अपने रिसोर्सेज देखने हैं, आपको अपना नॉलेज बेस देखना है, आपको टैलेंट देखना है, आपको अपना जो कल्चर आज जो इकोनॉमिक्स के अंदर भी अगर देखें तो ओवर ए पीरियड टाइम काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फिर हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स आई। हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स में वही करते हैं कि जो कल्चरल वैल्यूज क्या है, हर एक कंट्री की कल्चरल वैल्यूज अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है, वर्क एथिक्स सारे चेंज हो जाते हैं। तो वो एक कंट्री क्यों पुअर है, एक कंट्री क्यों रिच है, उसमें वर्क एथिक्स और कल्चरल वैल्यूज भी आ जाते हैं। तो असल में ये अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में थोड़ा डीपली जाएं तो बहुत कुछ है उसमें यूज करने के लिए। घुमा फिरा करके डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियंस की अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस है, पावर है, वो उनके अपने वो हैं, उसको देख करके वो यूज करना चाहते हैं, उनको जो सूट करता है जो है सिस्टम, वो उसको जो है प्रमोट करना चाहेंगे। तो असल में चीजें इतनी ईजी नहीं है, पर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है फिर सजेशन दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बेसिकली तो हम यही चाहते हैं कि जो काम इकोनॉमिस्ट का है वो बिल्कुल निर्भय भाव से वो कर सके और व्यापक दृष्टि से कर सके, लेकिन उसको ये मौका दिया ही नहीं जाता उसको जो है वो पूरी तरह कंट्रोल में रखने की कोशिश होती है पॉलिटिकल पावर के द्वारा, और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये बात, तो इस बात पे हम सभी सहमत हैं कि वस्तुतः तो हम भविष्य के प्रति एक आश्वस्ति चाहते हैं कि हमें ये एक भरोसा हो कि ये इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं कर जाएगी, ये एक ऐसी इकोनॉमी हम डेवलप करेंगे कि जो जिसमें नहीं होगा कि आज मुझे इसी बात का भय लगा रहता है कि कहीं को पैसा चोरी ना कर ले, ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, या मेरा शेयर मार्केट में पैसा ना डूब जाए, और इन सब चीज़ों के बीच में हम एक स्वस्थ मानसिकता वाले इकोनॉमी को डेवलप करें, ये सारा प्रयास उसी के लिए है। और ये जो हम चर्चा रखते हैं, ये चर्चा सिर्फ इसीलिए है कि ये संभावनाएं तलाश करने की है। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई हम अंतिम निष्कर्ष निकाल देंगे और हम बहुत बड़े हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। केवल अपने प्रश्नों को दुरुस्त करना हम सीख रहे हैं, और प्रश्नों के जो आयाम हो सकते हैं, विभिन्न आयाम हो सकते हैं, जो उसकी डायमेंशन हो सकती हैं, और जो हमें अपेक्षित
संवेदनशीलता आनी चाहिए कि किसी भी विषय को समझने के लिए, वो ओपननेस हमारे में आए, इसीलिए इन वेबिनार्स को हम लोग आयोजित करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक बात और, हाँ यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन भी कंट्रीज ने, मैंने भूटान भी विजिट किया है, नेपाल भी विजिट किया है, भूटान जो है जीएनएचपी में जो है वो वर्ल्ड में नंबर वन है, तो उन्होंने अपनी मॉरल वैल्यूज को संभाल के रखा है, उसका एक ही रीजन है। और हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, हर आदमी ने अपने इम्यून सिस्टम को संभाल के रखा हुआ है, कल्चरल वैल्यूज को संभाल के रखा हुआ है, जरूरतों को मिनिमाइज किया हुआ है। तो पहले जो इकोनॉमीज के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो जरूरतों को हाइप करते हैं और उसके बाद उनको कैश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, मेरे अपने घर के अंदर हालांकि मेरे ना चाहने के बावजूद 6 AC लगे हुए हैं, जबकि मुझे जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इकोनॉमी ऐसी है जो कि हमें फोर्सिबली करनी पड़ती है और वही हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश करती है। इंडिविजुअल इकोनॉमी के ऊपर जाएं तो क्या जरूरत है इन महंगी शादियों की। आप गांव में जाइए ना, वहां पे मतलब कि सात्विकता से जो है हमें खाना भी खिलाया जाता है और वो हार्डली जो है, जो काम हम लाखों रुपए में नहीं संभव कर पाते वो 10-20-50 हज़ार रुपए में कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी मॉरल वैल्यूज के ऊपर आना पड़ेगा और दूसरे अपनी जरूरतों को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, आने वाली जनरेशंस को भी बचा सकते हैं, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी कम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जी। और ये आप अगेंस्ट इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं सर। अगेंस्ट इकोनॉमी है मैं मानता हूँ, और जो है अगर कंट्री को डेवलप करना है तो इकोनॉमी को फ्यूज करना पड़ेगा, तभी आप इक्वलिटी की तरफ चल सकते हैं, अदरवाइज तो विषमता की तरफ जा ही रहे हैं। चलिए ठीक है। हाँ सर, 2 मिनट ले रहा हूँ। अभी हमारे साथी ने जो कहा शादी को लेकर, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से भारत में एक ही शादी रह गई, जिसका भोंडा प्रदर्शन तक भी ठीक था सर। मुझे आपत्ति केवल इस बात की है कि उस शादी को भारतीय संस्कृति के आधार पर जस्टिफाई की करने की कोशिश की जा रही है। चलो वो तो सर, अब यहाँ वो व्यक्तिगत नहीं है सर। नहीं सर, 1 मिनट, ये व्यक्तिगत नहीं है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ने पाश्चात्य प्रभाव में आकर हमारी भारतीय संस्कृति के जो शाश्वत मूल्य जिनकी बात मेरे साथी कर रहे हैं वो पीछे रह गए हैं, और पाश्चात्य का जो भोंडा प्रदर्शन है उसको जो जस्टिफिकेशन है सर, मेरी आपत्ति उस भोंडे प्रदर्शन से भी ज्यादा उसके जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि जी उन्होंने जी 50 जोड़ों की शादी करा दी। अरे भैया, 5,000 करोड़ में तो आप 5,000 जोड़ों की शादी करा सकते थे। लोग करते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं सर। सर 1 मिनट ले रहा हूँ, उसमें मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को लाइन में लगे हुए खड़ा देखा है। क्या वो आपके और मेरे घर पर आएंगे? तो ये जो व्यवस्था है, जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, इसके ऊपर भी हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सहमत। और सर फिर मजे की बात है, जिस अनंत कुमार के अंदर इतनी शादी पे इतना पैसा खर्च हुआ है, या जो भी है उनके छोटे बेटे हैं मुकेश अंबानी जी के, वो बेचारे इतने विकृत हैं इस टाइम, वो इतनी भयानक बीमारी से ग्रसित हैं कि पूरी अंबानी परिवार की दौलत जो है उनकी वो बीमारी नहीं ठीक कर पाई। जी जी ठीक है। मैं चलिए, वो तो अब हम उस विषय पे हमने क्या करना है, लेकिन आपकी चिंताएं को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चिंताएं वाजिब हैं और हमें पुनर्विचार करना चाहिए सामाजिक दायरों को ध्यान में रखते हुए। तो लेकिन कुल मिलाकर के आज की ये चर्चा के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का, कि डॉक्टर विजय कुमार कौल जी ने जिस रूप में हमें इस सारे विषय के विभिन्न आयामों से परिचित कराया है, जो कि हमारे ध्यान में नहीं था, और हमें अग्रसर कराया है इकोनॉमिक्स को समझने में, एक संवेदनशीलता से हमें परिचित कराया है जिससे कि हम समझ पाते हैं कि
इकोनॉमिस्ट जो है वो कैसे ऑपरेट करता है, इकोनॉमी को कैसे हैंडल करता है अपने इकोनॉमिक्स के टूल्स के माध्यम से, तो उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने सुंदर और सरल तरीके से हमें इन बातों को स्पष्ट किया। और उसके साथ मैं अपने सभी साथियों का, प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस सारे विषय को देखा, समझा और अपनी चिंताएं भी जाहिर की और सुझाव भी दिए हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब की टिप्पणी रही है और बड़ी मूल्यवान हमारे लिए टिप्पणी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके प्रतिभागिता से ये सुनिश्चित हुआ कि कम से कम इकोनॉमिस्ट और अन्य विषयों के लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं और सबकी एक सामान्य कॉमन चिंता है कि कैसे मनुष्यता को हम आश्वस्त करें भविष्य के प्रति, क्योंकि वो भविष्य केवल हमारा ही नहीं है, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस का है, उनके आगे आने वाली जनरेशंस का है। और इस सारे सब के बीच में हमने इस धरती को आधा तो खत्म कर ही दिया है और शायद इसीलिए इकोनॉमिस्ट हमें बार बार कहते हैं कि अब प्लैनेट मून पे जाके बसना है, कभी मंगल पे जाके बसना है, तो हमें दोबारा से रीथिंक करना होगा कि इकोनॉमी को हमने किस दिशा में लेके जाना है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे हम रुकेंगे ताकि एक बार हम सोच सकें जो हमने जाना है और फिर इसके बाद दोबारा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अग्रसर करेंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया और मेरे एक निवेदन पे उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो डॉक्टर साहब की कितनी व्यस्तताएं हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं बहुत आभारी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और आप में से जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, चैट बॉक्स में मैंने शेयर किया हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सबको नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।